इस काया रूपी धन को ठीक करने में लगाता है। कभी अस्पताल जाता है, कभी कहीं अल्ट्रासाउंड कराने जाता है, कभी कुछ ऑपरेशन कराने जाता है, आधी जिंदगी वो धन काया को ठीक करने में लगा देता है और अंत में क्या बचता है? ना धन बचता ना काया बचती। क्या इसीलिए परमात्मा ने तुम्हें संसार में भेजा था? प्यारे, संसार में आके इंसान दो चीजें करता है, या जिसने भेजा है उसका नाम जपता है, उसकी सेवा करता है, या प्रारब्ध के कर्मों को भोगता है। जैसा वो कर्म करके आया है प्यारे, उसका भुगतान उसको करना ही पड़ेगा, चाहे सुख के रूप में या दुख के रूप में। अगर प्रारब्ध में अच्छा कर्म किया है तो निश्चित रूप से तुम्हें सुख मिलेगा। कई कहते हैं, महाराज हम तो बहुत दुखी हैं, हमारे बच्चे, हमारे पति, हमारा परिवार, जिससे हमारे मन को शांति नहीं मिलती। प्यारे, ये भी प्रारब्ध के कर्मों के कारण मिलता है। बच्चे अगर संस्कारी हैं तो समझ लो तुमने अपने माता पिता की सेवा करी, इसीलिए बच्चे संस्कारी मिले। अगर तुमने किसी को कष्ट पहुंचाया, चाहे वो पति के रूप में चाहे पुत्र के रूप में, वो तुम्हें कष्ट देगा, ये भी तुम्हारे प्रारब्ध के कर्मों का फल है। तो क्यों ना प्यारे, सत्कर्म के बीज अभी से ही बोना चालू कर दो, कि आज का किया हुआ कर्म तुम्हारा प्रारब्ध बनेगा और उसी का फल तुम्हें क्या तुम्हारे पूरे परिवार को मिलेगा। और कल हमने बहुत ही सुंदर भागवत कथा की महिमा जानी, मंगल कलश का अर्थ जाना। चलो थोड़ी परीक्षा ले लेते हैं कि कल आपने क्या सीखा, कि मंगल कलश में जल क्या है? नारायण। बहुत अच्छी बात है। देखो, ये वृंदावन वाले शिष्य बहुत अच्छे हैं, ये बरसाना वाले तो सिर्फ स्टार प्लस देख रहे हैं। और जल में जो सिक्का है वो क्या है? लक्ष्मी जी। और लोटा क्या है? और नारियल कार्तिक। बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसी कथा सुनोगे तो परमात्मा को निश्चित रूप से तुम्हारे पास आना पड़ेगा। और जैसा कि हमने बताया कि ये भागवत कथा कोई पुस्तक, कोई ग्रंथ, कोई किताब नहीं है, ये साक्षात श्री कृष्ण का ही स्वरूप है, अगर मानो तो। अगर मन में इतना सा भी विश्वास है कि भागवत कथा साक्षात कृष्ण रूप है, तो भागवत कथा को सुनने के मत लिए मत आना। यही कहना है, ठाकुर जी हम तुम्हें पाने के लिए आए हैं। क्योंकि केवल सुनने के भाव से आओगे तो इस कान से सुनोगे और इस कान से निकल जाएगी। क्योंकि कथा में तीन तरह के लोग आते हैं, तीन तरह के भाव वाले, और तीनों तरह के भाव वाले यहाँ बैठे हैं। हम किसी को उंगली नहीं करेंगे, नहीं तो पीछे पड़ जाएंगे। अपने आप समझ जाना। सबसे पहले भाव कि महाराज आप कथा बहुत अच्छी करते हो, हमारा बहुत मन लगता है, आनंद आता है, हमारा 3 घंटे टाइम पास हो जाता है। तो कौन कौन टाइम पास के भाव से आए हैं? क्यों? क्योंकि ये टाइम पास का साधन नहीं है। टाइम पास के साधन तो बहुत हैं, ये जीवन संवारने का साधन है, जीवन को तारने का साधन है भागवत कथा। और दूसरे जिनके भाव होते हैं कि प्रभु हम टाइम पास के भाव से नहीं, हम तो कथा सुनने के भाव से आए हैं, तो जो कथा सुनने के भाव से आते हैं, कड़वी बात तो है लेकिन सच है कि जो केवल सुनने के भाव से आते हैं वो यहां से कुछ ज्यादा नहीं ले जाते। क्यों? बोले महाराज हम तो कथा सुन रहे हैं ना, अब सुनने का प्रभाव देखो। किसी को कोई रोग लगा हो,
उसको बढ़िया से बढ़िया दवाई के बारे में केवल सुनाया जाएगा। अरे भैया वो दवाई बहुत अच्छी है, फलाना औषधि बहुत अच्छी है, तो क्या सुनने से आराम आएगा? क्या करना पड़ेगा? उसे पीना पड़ेगा, खाना पड़ेगा। इसीलिए प्यारे भागवत कथा को केवल सुनो मत, इसे अपने कानों के छिद्रों द्वारा अपने हृदय में उतारो। श्रीमद् भागवतम मुहुरो भूवि भावु कहा, इसे भाव से ग्रहण करो, और जितना ग्रहण करोगे, जितना इस सागर में उतरोगे, उतना प्रभु के नजदीक जाओगे। और विश्वास मानो, जो कान्हा को कथा के रूप में अपने पास बुलाता है कि हे ठाकुर, बहुत भटक लिया संसार में, बहुत देख लिए संसार के नजारे, अब हम तेरी शरण में आना चाहते हैं, तुझे बुलाना चाहते हैं, तो जिसका ये भाव होता है, अगर तुम्हारी पुकार में शक्ति है तो सर्वशक्तिमान तुम्हारे पास आकर कहेगा कि बता तेरी रजा क्या है, तेरी इच्छा क्या है। बशर्ते तुम्हारी पुकार ऐसी होनी चाहिए जैसे भक्त प्रहलाद की हुई, जैसे शबरी की हुई, जैसे द्रौपदी की हुई, कि एक बार उसी भाव से आप भी कहकर देखो, क्या काना रे काना आजा अब तो आजा, 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 अखियों की प्यास बुझा जा, प्यास बुझा जा, अखियों की प्यास बुझा जा, अखियों की प्यास बुझा जा, मेरी लाज बचाने आ जा, मेरी लाज बचाने आ जा, कभी मिलने मिलाने आ जा, आ जा रे दीवाने आ जा, काना रे काना आ जा अब तो आ जा, काना रे सेवन लगाइए। वो मेरे साथ साथ बोलेंगे, मेरी बिगड़ी बनाने आ जा, मेरी बिगड़ी बनाने आ जा, मेरी लाज बचाने आ जा, मेरी लाज बचाने आ जा, मेरे दुखड़े मिटाने आ जा, मेरे दुखड़े मिटाने आ जा, कभी मिलने मिलाने आ जा, आ जा रे दीवाने आ जा, काना रे
हरी बाधा आजाब तो चलते हैं उतना संसार हम पर हंसता है, हमारा मजाक उड़ाता है। हंसते हैं लोग मुझे कहती है दुनिया, हंसते हैं लोग मुझे कहती है दुनिया, पागल दीवाना पागल दीवाना। हंसते हैं लोग मतलब, किसी ने न जाना किसी ने न जाना, सारे जहां में प्रेम का मतलब, किसी ने न जाना किसी ने न जाना। कन्हैया ये संसार प्रेम का मतलब नहीं जानता, हमने तुझे अपना समझा है तभी तेरे पास आए हैं। एक बार तू भी हमसे मिलने आ जा, चाहे झूठा ही प्रेम दिखाने को,
प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आ जा, प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आ जा, प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आ जा, प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आ जा। किसी और से मिलने के बहाने आ जा, तो किसी और से मिलने के बहाने आ जा। समझाने आ जा, मतलब समझाने आ जा, जरा प्रेम निभाने आ जा, जरा प्रेम निभाने आ जा, कभी मिलने मिलाने आ जा, आ जा रे दीवाने आ जा, गाना रे गाना आ जा अब तो आ जा, गाना रे गाना आ जा अब तो आ जा, गाना रे गाना कुछ नहीं बोलना पड़ेगा, बड़े भाव से हरि की कथा का अमृत अपने हृदय में उतारना होगा। और कल हमने बहुत ही सुंदर परीक्षित जन्म का वर्णन किया। ये परीक्षित कौन? पर रक्षित, जो दूसरों की रक्षा के लिए जिए, अर्थात जो दूसरों की सेवा करने में अपना जीवन बिताए। अरे अपना पेट तो पशु भी भर लेते हैं, इंसान वही जो दूसरों के काम आए। यही राजा परीक्षित करते थे, जो अपनी प्रजा को अपने पुत्र के समान समझते थे। जैसे आपको अपने बच्चे का ख्याल है ना, कि उसे कोई दुख ना हो, कोई तकलीफ ना हो, ऐसे राजा परीक्षित अपने राज्य को देखते थे कि उन्हें कोई तकलीफ तो नहीं हो रही, उन्हें कुछ कष्ट तो नहीं हो रहा, मेरे राज्य में कहीं अधर्म कोई पाप तो नहीं हो रहा। एक बार वही राज्य में घूम रहे थे तो क्या देखा, एक राक्षस एक बैल को मार रहा था और पास में गौ माता रो रही थी।
जब परीक्षित ने गौ माता से पूछा कि देवी आप कौन हैं, तो गौ माता ने कहा, महाराज मैं पृथ्वी हूँ और ये जो राक्षस मार रहा है ये और कोई नहीं, ये कलयुग है। और जिस बैल को मार रहा है, और वो भी एक चरण का, ये बैल धर्म है जिसका केवल एक चरण है। कल हमने आपको धर्म के कितने चरण बताए थे, याद है कौन कौन से? पहला सत्य, दूसरा तप, तीसरा दया और चौथा दान। जब ये धर्म चारों चरण में था तब सतयुग था, लोग सत्य भी बोलते थे, तप भी करते थे, खूब दया का भाव था और खूब दान पुण्य करते थे। इसलिए सतयुग में साक्षात नारायण भगवान सबको दिखते थे, क्योंकि धर्म चारों चरणों में था। एक एक करके जैसे सतयुग गया तो सत्य चला गया, त्रेता गया तो तप चला गया, द्वापर गया तो दया चली गई, और कलयुग में केवल एक चरण बचा है, वो है दान का। इसीलिए संत महात्मा दान की महिमा बताते हैं, दान का महत्व बताते हैं कि दान देने से, सेवा करने से क्या फल मिलता है। सबसे पहला कार्य तो ये होता है कि धर्म टिका हुआ है केवल दान से और सेवा से। क्योंकि पहले कहा जाता था कि झूठ बोलेंगे तो पाप लगेगा, लेकिन कलयुग में क्या कहा जाता है, भैया झूठ नहीं बोलेंगे तो परिवार कैसे चलेगा। थोड़ा बहुत तो आटे में नमक बराबर झूठ बोलना पड़ेगा, तभी परिवार चलेगा। और पहले हजारों वर्ष तक तप करते थे, कलयुग में 3 घंटे नहीं बैठ पाते। भागवत कथा को पिकनिक समझते हैं, ध्यान देना, कड़वी बात है लेकिन सत्य है कि जब मन किया आए तब, जब मन किया चले गए। कई कई तो कहते हैं, महाराज आज तो कथा का दूसरा तीसरा दिन है, ये कथा तो 7 दिन चलेगी, आराम से आएंगे कृष्ण जन्म पे। कोई कहते हैं हम रुक्मणी विवाह पे आएंगे, अरे हम कहते हैं सीधा भंडारे में आओ, कौन मना करता है। लेकिन प्यारे, जिसने कथा को 7 दिन दे दिए, क्योंकि 8वां दिन किसे नहीं मिला, जब तक जियोगे संसार में ही रहना है, लेकिन ये 7 दिन परमात्मा के चरणों में रहकर ये सौभाग्य प्राप्त कर लेना कि 7 दिन तुम्हें कथा का अमृत पान करने को मिले। और ये कथा का अमृत पान उसी को मिलता है जिसे मेरा ठाकुर चुनता है। चाहे कोई कितनी ही पास में रहता हो, कितनी ही कोशिश कर ले आने की, ना जाने कितनी समस्याएं आगे आ जाएंगी जो वो कथा नहीं सुन सकेगा। प्यारे, ये समस्याएं नहीं, ये पाप होते हैं जो कथा में विघ्न डालते हैं, जो कथा में आने नहीं देते। और किसी पर मेरे ठाकुर इतनी कृपा करता है, चाहे कोई कितनी ही दूर रहता हो, चाहे शरीर में शक्ति हो या ना हो, चलने में परेशानी होती है, लेकिन जब मेरा ठाकुर बुलाता है प्यारे, वो परेशानी परेशानी नहीं दिखती, उसे तो मेरा ठाकुर ही दिखता है। कि कोई ठीक रहकर भी कथा में नहीं आता, और कोई शरीर से परेशान है फिर भी कथा को अपना मानता है, जो कथा को अपना मानता है समझ लें ठाकुर उसे अपना मानता है। जब तुम ठाकुर के बिगैर नहीं रह पाते, तो ये समझ लेना ठाकुर भी आपके बिना नहीं रह पाता, क्योंकि भगवान सदा भक्तों के वश में रहे हैं। भगवान अपना नियम भी बदल देते हैं भक्तों के लिए। इसीलिए प्यारे, कि मेरे गोविंद से जिसको प्रेम हो जाता है उसके जीवन में आनंद आ जाता है। कहते हैं ना, सच्चिदानंद रूपाए विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। कि सच्चिदानंद का अर्थ क्या होता है? सत्य
चित और आनंद। सबसे पहले इंसान सत्य को जानने की, सत्य है क्या। आजकल लोग नकली चीज को ढूंढ रहे हैं और उसमें सुख ढूंढ रहे हैं। आप दवाई की दुकान पे जाके मिठाई मांगोगे तो वो कहेगा मूर्ख गलत जगह आ गया। इसी प्रकार ये जीव संसार में सुख ढूंढ रहा है और ये संसार क्या है, ये छलावा है। कहता कुछ है, करता कुछ है, होता कुछ है, दिखता कुछ है और ये इंसान इसी संसार में सुख ढूंढ रहा है। कोई सोचता है कि हमारा घर इतना बड़ा है तो उसमें सुख मिलेगा। अरे हमने ऐसे ऐसे देखे हैं, घर में चार चार पांच पांच एयर कंडीशन है, दो दो टन के, बढ़िया बढ़िया पलंग है जिसमें डनलप के गद्दे भी हैं, गले में मोटी मोटी चैन है, लेकिन सच बताएं उनको रातों को नींद भी नहीं आती। कई तो कहते हैं महाराज हम गोली खा खा के सोते हैं लेकिन फिर भी नींद नहीं आती। क्यों? गले में मोटी चैन तो है लेकिन मन में चैन नहीं, मन अशांत है। क्यों? क्योंकि वो इन सुख साधन में सुख ढूंढ रहा है जो असल में उसका है ही नहीं। जो भी आप अपनी आंखों से देख रहे हो प्यारे, ये सब माया है और वो नश्वर है, एक ना एक दिन नष्ट हो जाएगी। तो सत्य क्या है कि जब तुम थे तब भी भगवान था, जब तुम नहीं रहोगे तब भी भगवान रहेगा और उस समय जब तुम नहीं थे तब भी भगवान था। इसका मतलब कि सब कुछ नष्ट हो जाता है लेकिन भगवान थे, हैं और हमेशा रहेंगे। ये सत्य है कि राम का नाम सत्य था, राम का नाम सत्य है और राम का नाम सत्य रहेगा, ये पक्की बात है। लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं जो इसको मुंह से बोल के दिखा दे। किसी के घर के बाहर जाके बोल दो राम नाम सत्य है, क्या होगा? पीछे पड़ जाएगा। और ये कब सुनाया जाता है? जब किसी की मृत्यु होती है, उसकी अर्थी को बांध के ले जाते हैं, जो वो सुन भी नहीं सकता, सारे मिलकर उसे क्या कहते हैं? अरे भैया जीते जी सुना लेते। जिसको जीते जी ये पता चल जाए राम का नाम सत्य था, राम का नाम सत्य है, राम का नाम सत्य रहेगा, उसके चित्त में, चित्त कहते हैं मन को, उसके मन में आनंद ही आनंद बरस जाता है। और प्यारे जिसके मन में आनंद होता है, जिसके मन में विश्वास है, जो सुख में भी मुस्कुराता है और दुख में भी मुस्कुराता है, ध्यान देना, सुख में तो सब मुस्कुराते हैं लेकिन इंसान वही जो दुख में भी मुस्कुराए। लेकिन होता क्या है, सुख में तो इंसान फूल जाता है कि मेरे से बड़ा कोई नहीं, और दुख में जगह जगह रोता है कि मेरे से ज्यादा कोई दुखी है ही नहीं। इसीलिए संत महात्मा कथा के द्वारा हमेशा कहते हैं अरे मूर्ख परमात्मा को अपना बना ले, क्योंकि जग में तेरा कुछ नहीं है, कोई नहीं है। तभी तो कहते हैं मूर्ख बंदे क्या है रे जग में तेरा, 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 मूर्ख बंदे जग में तेरा, मूर्ख बंदे
तो सब झूठा सपना है, ये तो सब झूठा सपना है, ये तो सब झूठा सपना है, ये तो सब झूठा सपना है। कुछ तेरा ना मेरा मूर्ख बंदे, क्या है रे जग में तेरा मूर्ख बंदे, अपने हाथों को तालियों के सिवा में लगा। इंसान प्लॉट पे प्लॉट बना रहा है, मेरा ये प्लॉट बन गया, मेरा ये गोदाम बन गया, मेरा ये महल बन गया। लेकिन क्या होता है, जिनके लिए महल बनाता है, चाहे वो बेटे हों, चाहे भाई हों, चाहे रिश्तेदार हों, वो सब छीनने की कोशिश करते हैं। कितनी भी प्रॉपर्टी बना लो प्यारे, चार गज से ज्यादा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। क्या कितनी भी माया जोड़ ले, कितने भी महल बना ले, कितने भी माया जोड़ ले, कितने भी महल बना ले, कितने भी माया जोड़ ले, कितने भी महल बना ले, कितने भी माया जोड़ ले, कितने भी महल बना ले। तेरे मरने के बाद में क्या करते घर वाले, पर तेरे मरने के बाद में क्या करते घर वाले, पर तेरे मरने के बाद में क्या करते घर वाले, पर तेरे मरने के बाद में क्या करते घर वाले, क्या करते घर वाले। बड़े ध्यान से सुनना, दो गज कफन उड़ा के तुझको, दो गज कफन उड़ा के तुझको, दो गज कफन उड़ा के तुझको, दो गज कफन उड़ा कर तुझको, छीन लेंगे तेरा डेरा मूर्ख बंदे, क्या है रे जग में तेरा मूर्ख बंदे, क्या है रे जग में तेरा। तालियों की सेवा करता है मेरा ठाकुर, उसकी सेवा करता है। गोविंद से कहना कि हे प्रभु, हमें इतना ऊंचा भी मत उठाना कि हम पुकारे और तुम सुन ना पाओ, और हमें इतना नीचे भी मत गिराना कि तुम पुकारो और हम सुन ना पाए। कई कहते हैं महाराज, अब अपनी टूटी फूटी बाइक पे आते हैं, बढ़िया सी गाड़ी खरीद लीजिए, पता लगे ब्यास जी आ रहे हैं। मैंने जिस दिन गाड़ी आ गई, उस दिन ब्यास जी नहीं रहेंगे, उनके अंदर अभिमान आ जाएगा, फिर वो बात नहीं रहेगी जो एक सुदामा बनकर जीने में है। क्योंकि आदमी इतराता है कि मैं फॉर्च्यूनर लेके आ रहा हूं, इतराता है कि मैं मर्सिडीज में आ रहा हूं, लेकिन ये प्यारे किसी काम की नहीं।
क्योंकि आदमी इतराता कब है, जब वो ऊंचाइयों पे चला जाता है। सुदामा जी हमेशा हाथ जोड़कर कहते थे, प्रभु मुझे ऐसे ही बनाए रखना। सुदामा को सब गरीब गरीब कहते हैं, लेकिन सुदामा जैसा धनवान ना आज तक हुआ है और ना कभी होगा। अरे जिसे मेरे ठाकुर ने अपने गले से लगा लिया वो क्या गरीब है? जिसने रुक्मिणी के बराबर अपने आसन पे बिठा लिया क्या वो सुदामा गरीब है? अरे लोग तो तोहफा देखकर आदर सम्मान करते हैं, लेकिन द्वारकाधीश ने सुदामा को अपने आंसू से चरण धोए क्या वह सुदामा गरीब है? तो जो सुदामा बनने में आनंद है प्यारे, वो दुर्योधन बनने में आनंद नहीं है क्या? कोठी बंगला कार देख कर क्यों इतना इतराता है? कोठी बंगला कार देख कर क्यों इतना इतराता है? कोठी बंगला कार देख कर क्यों इतना इतराता है? कोठी बंगला कार देख कर क्यों इतना इतराता है? पत्नी और बच्चों के बीच तू फूला नहीं समाता है। पत्नी और बच्चों के बीच तू फूला नहीं समाता है। ये तो चार दिनों की चांदनी, ये तो चार दिनों की चांदनी, ये तो चार दिनों की चांदनी, ये तो चार दिनों की चांदनी। फिर आएगा अंधेरा ओ मूरख बंदे, क्या है रे जग में तेरा? ओ मूरख बंदे, क्या है रे जग में तेरा? जरा उठाइए अपने हाथों को, तालियों की सेवा में लगाइए। में आने से क्या फल मिलता है? क्यों सुने भागवत कथा? क्यों भागवत कथा में सेवा कराई जाती है? क्योंकि प्यारे जाने अनजाने में इंसान बहुत पाप करता है, चाहे वो तन से पाप हो, चाहे मन से पाप हो, या वाच्य से अर्थात बोली से पाप हो। कोई जानबूझ के करता है, किसी से अनजाने में हो जाते हैं। लेकिन जो सात दिन कथा में आता है, जो संतों की वाणी अपने कानों के छिद्रों द्वारा अपने हृदय में उतारता है, तो संत महात्मा कथा के द्वारा क्या समझाते अपने भक्तों को? क्या पाप कमाया तूने बहुत, अब थोड़ा धर्म कमा ले। पाप कमाया तूने बहुत, अब थोड़ा धर्म कमा ले। अरे पाप कमाया तूने बहुत, अब थोड़ा धर्म कमा ले। पाप कमाया तूने बहुत, अब थोड़ा धर्म कमा ले। कुछ तो समय अब मानव तू राम नाम गुण गाले। कुछ तो समय है अब मानव तू राम नाम गुण गाले। राम नाम से मिट जाएगा, राम नाम से मिट जाएगा, राम नाम से मिट जाएगा, राम नाम से मिट जाएगा। जन्म मरण का फेरा मूरख बंदे, क्या है रे जग में तेरा? ओ मूरख बन दे, क्या है रे जग में तेरा? ये तो सब झूठा सपना है, ये तो सब झूठा सपना है, ये तो सब झूठा सपना है, ये तो सब झूठा सपना है। कुछ तेरा ना मेरा मूरख बन दे, क्या है रे जग में तेरा? ओ मूरख बन दे, क्या है रे जग में तेरा? क्या है रे जग में तेरा? ओ क्या है रे जग में तेरा? प्रेम
से बोलना पड़ेगा। राधे, ये सच्चाई है कि परमात्मा के नाम के सिवा तुम्हारा कुछ नहीं है। चाहे कितनी ही माया जोड़ लो, कितने ही बंगले कोठी बना लो, लेकिन जब बुलावा आता है ना, सब धरा का सब धरा पर सब धरा कुछ साथ नहीं जाता। हाँ, जो तुमने जीते जी भगवान का गुणगान किया है, जो तुमने जीते जी कथा अमृत का पान किया है, जो जीते जी तुमने अन्न का दान, जल का दान और धर्म के कार्यों में धन का दान दिया है, केवल वही साथ जाता है, बाकी कुछ नहीं जाता। कि एक बार श्री हरि नारायण भगवान और लक्ष्मी जी आपस में विचार विमर्श कर रहे थे। श्री हरि ने कहा, देखो लक्ष्मी, ये पृथ्वी के लोग कितने सदाचारी हैं, कितना धर्म का आचरण करने वाले हैं, सदा मेरा गुणगान करते हैं, सदा मेरी ही चर्चा करते हैं। इतना सुनकर लक्ष्मी जी मुस्कुराने लगी। अब श्री हरि कहने लगे, मैंने ऐसा क्या कह दिया? बोले, महाराज सच बताऊं? बोले, बोलो। बोले, ये आपका वहम है कि पृथ्वी के लोग आपका नाम लेते हैं, आपका गुणगान करते हैं, आपके पीछे जाते हैं, ये बिल्कुल आपका वहम है। बोले, तो किसके पीछे जाते हैं? बोले, नारायण के पीछे नहीं, ये तो देखो, ये मैं नहीं कह रहा, ये लक्ष्मी के पीछे जाते हैं। अब नारायण भगवान कहने लगे, अरे ये मेरा गुणगान करते हैं। बोले, नहीं, ये मेरे पीछे आते हैं। ये धीरे धीरे चर्चा बहस में बदल गई। अब इस बहस का हल कैसे निकले? तब श्री हरि ने कहा, चलो ठीक है, हाथ कंगन को आरसी क्या, चल के देख लेते हैं पृथ्वी लोक में कि ये पृथ्वी के लोग श्री हरि का गुणगान करते हैं या लक्ष्मी के पीछे जाते हैं। अब श्री हरि नारायण भगवान और लक्ष्मी जी दोनों पृथ्वी लोक में आ गए साधारण वेश में। जैसे पृथ्वी लोक में आए, श्री हरि ने लक्ष्मी जी से कहा, देखो लक्ष्मी, दोनों साथ में चलेंगे तो पता नहीं चल पाएगा कि ये लोग मेरे पीछे हैं या तुम्हारे पीछे। एक काम करते हैं, पहले मैं चलता हूं, बाद में तुम आना। लक्ष्मी ने कहा, ठीक है महाराज, पहले आप आगे चलो, फिर मैं आगे आती हूं, पीछे आती हूं। अब श्री हरि नारायण भगवान साधारण वेश में कथा वक्ता बन के गए। कथा वक्ता जो कथा करने वाले होते हैं, हर नगर में, हर कॉलोनी में, हर गांव में कथा वक्ता घूम रहे हैं और कहते हैं कि हम कथा करने वाले हैं, कथा करवा लो, कथा करवा लो। जहां भी जाए एक ही आवाज सुनाई दे कि हमारे पास टाइम नहीं है। कोई कहते हैं कि हमें घर के कार्य करने हैं, कोई कहते हैं मेरे छोटे छोटे पोते हो गए उनको संभालना है, कोई कहते हैं अभी मेरे बेटे की नई नई शादी हुई है घर में रहना है, कुछ सुख पालें बहू का, कुछ कहते हैं हमें फैक्ट्री जाना है, कुछ कहते हैं हमारा बिजनेस है, सब कुछ है लेकिन समय नहीं है। और कई कई तो लोग इतना तक कह देते हैं कि हम 7 दिन कथा में आएंगे तो कमाएंगे क्या। और सच बात है ना, अरे उन मूर्खों से पूछो कि तुम तो केवल 7 दिन की बात करने में लगते हो कि कमाएंगे क्या और खाएंगे क्या। अरे जब तुम माँ के गर्भ में 9 महीने तक थे, प्यारे ये जो गर्भ होता है ना, ये 84 लाख योनियों से ज्यादा कष्टदायक नरक होता है, जिसमें ये जीव मूत्र विष्ठा में उल्टा लटका रहता है, हिलने डुलने की भी जगह नहीं होती। उस समय क्या वो कमाने जा रहा है तो कैसे खा रहा है? प्यारे उस समय कौन व्यवस्था कर रहा है? प्यारे उस समय मेरा गोविंद उसकी सुरक्षा व्यवस्था कर रहा है कि माए के खाए हुए अन्न से
उसको पोषण मिल रहा है। और उसमें भी जब वो कष्ट पाता है तो भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु मुझे इस घोर नरक से बाहर निकालो। और ये जीव इतना चालाक है, इतना चालाक है कि गर्भ में ही भगवान से वचन भरवा लेता है कि हे प्रभु मुझे इस घोर नरक से बाहर निकालोगे तो मैं तुम्हारा गुणगान करूंगा, तुम्हारा भजन करूंगा, तुम्हारी सेवा करूंगा। लेकिन हो सकता है कि गर्भ से बाहर आते ही मुझे संसार की मोह माया जकड़ ले और मुझे दिल्ली की हवा लग जाए और मैं 99 के चक्कर में पड़ जाऊं। ये इंसान जिंदगी भर 99 के चक्कर में लगा रहता है लेकिन कभी 100 पूरे इतना बन जाए तो और आगे की इच्छा, इतना आ जाए तो और आगे की इच्छा, जिंदगी भर इच्छाओं की पूर्ति करता रहता है लेकिन इच्छा की पूर्ति कभी नहीं होती। संसार के समक्ष सुख साधन भी आ जाएं तो भी इंसान की इच्छा पूर्ति नहीं होती, ध्यान देना। और यही दुख का कारण है। अब वही जीव कहता है कि हे प्रभु आप मुझसे एक वादा करो। देखो गर्भ में ही वादा करवा रहा है भगवान से कि अगर संसार में आते ही मैं राजी राजी तुम्हारा नाम लूं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन धन के चक्कर में 99 के चक्कर में पड़ के अगर मैं तुम्हारा नाम लेना भूल जाऊं, तुम्हारी सेवा करनी भूल जाऊं, तो ऐसा साधन जरूर बनाना कि राजी राजी ना सही बेराजी मैं तुम्हारा नाम लेने पर मजबूर हो जाऊं। भगवान कहता है ठीक है, मैं तुझे ये वरदान देता हूं कि राजी राजी तू मेरा नाम लेगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ऐसा मैं साधन बना दूंगा कि एक ना एक दिन बेराजी तो तुझे मेरे पास आना ही पड़ेगा। और ये सच्चाई है, इंसान जब सुख साधन होते हैं तो वो धन के चक्कर में भागा रहता है और धन को भगवान मानता है। भगवान कहते हैं कि तू धन के पीछे मुझे भूल रहा है, तो ऐसा साधन बना देते हैं कि प्यारे धन रिश्तेदार वैभव सब कुछ छिन जाता है और प्यारे रिश्तेदार भी दूर हो जाते हैं। जो सुख में तो सब साथ थे लेकिन जब दुख में सब छोड़ के चले गए, अब उसे याद आया कि मेरा एक ही सहारा है, वो है मेरा गोविंद। ये उसने नहीं किया, ये मेरे ठाकुर ने वचन दिया था कि जब तू राजी राजी नाम लेगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब तू भूल जाएगा तो मैं ऐसा साधन बना दूंगा कि तू मेरा नाम लेने पे मजबूर हो जाएगा। और जब उसके पास कुछ नहीं रहा तो गोविंद को पुकारने लगा। अब प्यारे कि जैसे ही ये जीव गोविंद को पुकारता है तो गोविंद उसका साथ देने के लिए, उसका सहारा बनने के लिए किसी न किसी रूप में जरूर आता है। इसीलिए कहते हैं प्यारे कि चाहे सुख हो या दुख हो हमेशा गोविंद को याद रखो। सुख आए, कोई पूछता है तुमसे क्या हाल है, तो अक्सर लोग कहते हैं बस काट रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ये जीवन काटने की चीज नहीं है, ध्यान देना। अगर तुम्हारे घर में सुख साधन है, इतना धन है कि तुम्हारा परिवार भी सुख से चलता है, तुम्हारे घर में साधु संत महात्मा आते हैं और राजी खुशी जाते हैं, तुम्हारे घर में बच्चे संस्कारी हैं, तुम अपने माता पिता का आदर करते हो, सेवा करते हो, कोई तुमसे पूछे क्या हाल है तो तुम यही कहना हरि की कृपा है। क्या हाल है? क्या हाल है? और थोड़ा बहुत दुख भी आ जाए तो घबराना मत, क्योंकि प्यारे दुख नहीं आएगा तो सुख का पता कैसे चलेगा। भगवान ने सब चीजें दी हैं, अगर अंधेरा दिया है तो उजाला भी दिया है। जब रात को घनघोर अंधेरा छा जाता है इंसान घबरा जाता है, लेकिन सूर्य की एक किरण पल भर में पूरा अंधेरा दूर कर देती है। इसीलिए प्यारे
बुराई दी है तो अच्छाई भी दी है, जब तक बुराई का पता नहीं चलता तो अच्छाई दिखती नहीं है। इसीलिए थोड़ा बहुत दुख भी आ जाए तो घबराना मत, कोई पूछे क्या हाल है तो कह देना हरि की इच्छा है। सुख आए तो हरि की कृपा और दुख आए तो हरि की इच्छा। जब ये दोनों चीजें आप समझ लोगे तो प्यारे ना सुख में फूलोगे और ना दुख में रोओगे, हमेशा मस्त रहोगे, प्रसन्न रहोगे। ठाकुर जी आपकी कृपा हुई तो भी अच्छा है और इच्छा है तो इच्छा है ही, चल रहे हैं ठाकुर के सहारे। अब प्यारे कि ये भागवत कथा जिसमें हम सब प्रवेश कर रहे हैं और यही चीज बताने के लिए श्री हरि नारायण भगवान सब जगह जा रहे हैं और कहते हैं कि कथा करवा लो। कई कहते हैं हमारे पास समय नहीं है और कई कहते हैं कि महाराज जी ये बताओ कथा की जिम्मेदारी कौन ले रहा है। ये हमसे भी कई बार पूछा जाता है, कई जगह जाते हैं, बोले कथा कौन करवा रहा है, कथा की जिम्मेदारी किसने ली है। तो हम कहते हैं प्यारे जिसने सबकी जिम्मेदारी ले रखी है, जिसने पूरे संसार की जिम्मेदारी ले रखी है, क्या इसकी जिम्मेदारी कोई ले सकता है। कभी ये मत कहो कि इसकी जिम्मेदारी किसने ली है, यही कहो कि इसकी सेवा कौन कौन कर रहा है। वो बड़ा किस्मत वाला होता है जो मेरे ठाकुर की सेवा में आगे रहता है। कभी ये मत कहना कि हमने जिम्मेदारी ले रखी है, यही कहना ठाकुर ने हमें सेवा का मौका दे रखा है, सेवा का अधिकारी बना रखा है। प्यारे सेवा भी वही करता है जिस पर मेरे ठाकुर की कृपा हो, हर कोई सेवा भी नहीं कर सकता, चाहे कोई कितना ही धनवान हो, कितना ही पैसे वाला हो। अगर इसकी कृपा हुई तो गरीब भी आगे आके सेवा कर सकता है, और अगर कृपा नहीं हुई तो धनवान चुपचाप अपने घर में बैठा रहेगा, कितनी ही कोशिश कर ले वो सेवा नहीं कर पाएगा जब तक मेरे गोविंद की कृपा ना हो। अब प्यारे वही कथा वक्ता घूमते घूमते कई चौपाल में भी जाते हैं। अब चौपाल में कई लोग ताश खेलते हैं, हुक्का पीते हैं, कथा वक्ता कहते हैं भैया कथा करा लो, तो क्या कहते हैं कथा होगी तो हम ताश कहाँ खेलेंगे, हम हुक्का कहाँ पिएंगे। तभी कथा वक्ता घूमते 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 ओचंदी गांव में आ गए, और देखो ओचंदी गांव वालों की हम तो देवनगरी समझते हैं कि जहां पर एक बार नहीं ठाकुर जी को 7 साल से लगातार उनकी सेवा कर रहे हैं, लगातार उनका स्वागत कर रहे हैं, और ये बात हम हर कथा में कहते हैं कि कई गांव ऐसे होते हैं जिसे देवनगरी कहा जाता है, जो भागवत कथा को कथा नहीं साक्षात ठाकुर जी जानते हैं, ठाकुर जी समझते हैं। क्योंकि महाराष्ट्र में जब कन्हैया ने मुरली की तान बजाई थी, सब गोपियां अपने कार्य में व्यस्त थी, मस्त थी, लेकिन जैसे मेरे ठाकुर की मुरली की धुन गोपियों के कानों में पड़ी, लोक मर्यादा लांघकर सब कन्हैया के पास दौड़ी जा रही थी। लेकिन कुछ गोपियां ऐसी भी थी किसी कारणवश वो कन्हैया के पास नहीं जा सके, तो वो घर में ही बैठकर आंख बंद करके प्रभु से प्रार्थना करती है कि हे गोविंद, कि हम मजबूर हैं, तुम्हारे पास नहीं आ सकते, कोई हमें ले जाने वाला नहीं है, कोई ले जाने वाला है तो उसके पास ले जाने का समय नहीं है, कोई अपने शरीर से परेशान है, किसी के पैरों में, किसी के घुटनों में, किसी की कमर में दर्द है, कि हम तुम्हारी बड़ी बड़ी कथाओं में नहीं आ सकती, हम मजबूर हैं। लेकिन कन्हैया हमने सुना है कि तुम मजबूर नहीं हो सकते, हम तुम्हारे पास नहीं आ सकी तो क्या हुआ, तुम ही हमारे ओचंदी गांव में आ जाओ, तुम ही हमारे घर परिवार में आ जाओ,
तो ऐसी किसी गोपी का भाव तो जागृत होता है कि कन्हैया कम से कम साल में एक दो बार तो दर्शन दे दिया करो। देखो कथा चाहे कोई भी कराए, कथा चाहे कोई भी संत करे, लेकिन भगवान की लीला का वर्णन अवश्य होना चाहिए, भगवत चर्चा अवश्य होनी चाहिए। क्योंकि जहाँ हरि की चर्चा होती है, समझ लेना उस घर परिवार में, उस गांव में मेरे ठाकुर की विशेष कृपा होती है। जहाँ पर गायत्री का हवन होता हो, जहाँ पर सत्संग की चर्चा होती हो, जहाँ पर संत महात्मा का डेरा हो, तभी तो कहते हैं सत्संग है ज्ञान सरोवर संतों की खान रे। सत्संग है ज्ञान सरोवर संतों की खान रे। हाँ सत्संग है ज्ञान सरोवर संतों की खान रे। सत्संग है ज्ञान सरोवर संतों की खान रे। सत्संग से ही मिल जाते सचमुच भगवान रे। सत्संग से ही मिल जाते सचमुच भगवान रे। सचमुच भगवान बंदे सचमुच भगवान रे। सचमुच भगवान बंदे सचमुच भगवान रे। सत्संग से ही मिल जाते सचमुच भगवान रे। सत्संग से ही मिल जाते सचमुच भगवान। जरा उठाइए अपने हाथों को, तालियों की सेवा कर। सत्संग से ही मिल जाता मंजिल का रास्ता। सत्संग से ही मिल जाता मंदिर का रास्ता। सत्संग से ही मिल जाता मंजिल का रास्ता। सत्संग से ही मिल जाता मंजिल का रास्ता। मंजिल के राहियों को जग से क्या वास्ता। मंजिल के सत्संग है बहती गंगा कर लो स्नान रे। सत्संग है बहती गंगा कर लो स्नान रे। सत्संग से ही मिल जाते सचमुच भगवान रे। सत्संग से ही मिल जाते सचमुच भगवान रे। मुश्किल है जिसको पाना हतबल के जोर से। मुश्किल है जिसको पाना हतबल के जोर से। देखो आप ये सोचो कि हम सुंदर सुंदर वस्त्र पहन के आएंगे तो ठाकुर खुश होंगे, बिल्कुल नहीं। तुम सोचो कि हम बढ़िया बढ़िया गहने पहन के आएंगे तो ठाकुर खुश होंगे, बिल्कुल नहीं। इंसान कैसा है, सोचता है कि हम ऐसे कौन से कपड़े पहने जो संसार को अच्छे लगे, ऐसे कौन से गहने पहने जो संसार को अच्छे लगे। अरे क्या कभी सोचा कि हम ऐसा कौन सा कर्म करें जो भले संसार को अच्छा ना लगे लेकिन मेरे ठाकुर को अच्छे जरूर लगे। और वो है सत्संग, सेवा और भजन। क्या मुश्किल है जिसको पाना हतबल के जोर से। मुश्किल है जिसको पाना हतबल के जोर से। खींचे चले आते हैं ये सत्संग की डोर से। खींचे चले आते हैं ये सत्संग की डोर से। ये सत्संग क्या है, सत्संग तो है काना की मुरली की तान रे। सत्संग तो है काना की मुरली की तान रे। हाँ सत्संग से ही मिल जाते सचमुच भगवान रे। हाँ सत्संग से ही मिल जाते
सचमुच भगवान रे, सचमुच भगवान बंदे, सचमुच भगवान रे, सचमुच भगवान बंदे, सचमुच भगवान रे। हाँ, सत्संग से ही मिल जाते सचमुच भगवान रे, सत्संग से ही मिल जाते सचमुच भगवान रे, सत्संग से ही मिल जाते सचमुच भगवान रे। इसीलिए कहते हैं प्यारे, सत्संग को, सेवा को और कथा को अपना लो, ठाकुर अपने आप वश में हो जाएंगे। अब प्यारे, घूमते घूमते जैसे ही कथा वक्ता ओचंदी गांव में आए, बोले मुझे आपके गांव में कथा करनी है। ओचंदी ग्राम वासियों ने कहा, महाराज हमारी ये बंगला चौपाल खाली है और ये आपके स्वागत के लिए तैयार है, आप आइए और प्रेम से कथा का शुभ आरंभ कीजिए। कथा वक्ता कहते, मानो तो व्यासायक विष्णु रूप आए, और ये सच बात है, संत महात्मा परमात्मा का रूप होते हैं। क्यों? क्योंकि वो कथा के द्वारा भगवान के दर्शन कराते हैं, हरि के दर्शन कराते हैं, लेकिन दर्शन उन्हीं को होते हैं जो दर्शन करने के लिए आए हैं, वरना कई तो केवल पिकनिक समझते हैं, कई केवल कमियां निकालने आते हैं, कई केवल प्रसाद के भाव से आते हैं, लेकिन कई कई लोग ऐसे होते हैं कि वो केवल प्रभु को पाने के लिए आते हैं, वो केवल उसी के लिए आते हैं, उन्हें दुनिया से संसार से कोई मतलब नहीं होता कि कौन क्या कह रहा है, क्या कर रहा है। वो तो कहते हैं हम ठाकुर जी के लिए आए हैं और ठाकुर जी हमारे लिए आए हैं। अब प्यारे, कथा वक्ता ने सबको निमंत्रण दिया, सभी ने मंगल कलश उठाए और सभी खूब झूमते हुए, नाचते हुए, गाते हुए मंगल कलश यात्रा में सम्मिलित हुए। कथा आरंभ हुई और कहते हैं कथा में रस होता है तो श्रोता भी बढ़ते हैं। एक दिन पूरा हुआ, दो दिन पूरे हुए, तीसरा दिन जब कथा वक्ता ने कहा कल कृष्ण जन्म है, सभी ने पीले वस्त्रों में आना है, ध्यान देना, ये आपके लिए भी बता रहे हैं, कल कृष्ण जन्म है और कल विशाल उत्सव मनाया जाएगा, हमारे ठाकुर जी का जन्म उत्सव, तो सभी ने पार्लर में सज के आना है। चलो कोई बात नहीं, पार्लर से सज के मत आना, वैसे सुंदर मन लेके आ जाना, भगवान उसमें भी प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि बाहर की सुंदरता तो संसार देखता है, मेरा ठाकुर तो तुम्हारी अंदर की सुंदरता देखता है। लेकिन पीले वस्त्रों में आना, जिसके पास पीले वस्त्र ना हो खरीदने मत पहुंच जाना, पुराने भी चल जाएंगे, क्योंकि कल हमारे पीताम्बरी का आगमन होगा, पीताम्बरी का जन्म उत्सव होने जा रहा है और सबको ये लगना चाहिए कि ठाकुर जी ने हमारे घर जन्म लिया है, पड़ोसन के घर नहीं लिया, यही सोच के आना कि हमारे घर उत्सव मन रहा है, क्योंकि ये बंगला चौपाल किसी एक के नहीं, आप सबकी है, तो ये परिवार अलग अलग मत समझना, ये ओचंदी परिवार सारा एक ही परिवार है। अब प्यारे, कथा वक्ता ने कहा कि हमारे ठाकुर जी को माखन अति प्रिय है, इसलिए माखन का प्रसाद भी लेके आना, और जैसे आप अपने बच्चों के लिए, जब बच्चे होते हैं, जब कुआ पूजन किया जाता है या उत्सव मनता है, तो लोग क्या लाते हैं, बधाई लाते हैं, तोहफे लाते हैं, अब तक तो तुमने लिया है ना, अब ये कल ठाकुर जी का समर्पण का भाव है, एक बार शबरी बन के देख लेना। शबरी का प्रसंग सब जानते हैं कि शबरी ने क्या किया था, क्या किया था शबरी ने, प्रभु श्री राम को कौन से बेर खिलाए थे, झूठे बेर। अब ये झूठे बेर तो सबको पता है, लेकिन इसका अर्थ शायद किसी किसी को पता है। जब प्रभु श्री राम जी को वो पहले खुद खा रही थी, उसे अच्छा नहीं लगा, फेंक दिया,
फिर खाया, उसे अच्छा नहीं लगा, फेंक दिया। फिर जब खुद खाया, जब वो मीठा है, लो प्रभु। अर्थात जो उसे अच्छा नहीं लगा उसने प्रभु को भी नहीं दिया, और प्यारे जो उसे अच्छा लगा वो प्रभु को समर्पित कर दिया। इसलिए जो आपको अच्छा लगे, जो आपका अपने बच्चों को अच्छा लगे, प्यारे एक बार मेरे ठाकुर को भी वही भाव से करके देख लेना। लेकिन अक्सर क्या होता है, जो हमारे किसी काम का नहीं होता वो दान में दे दिया जाता है। इसीलिए प्यारे मांगने को तो बहुत कुछ मांगते हो, लेकिन जब समर्पण का भाव होता है तो हाथ खींच लेते हो, भूल जाते हो कि ये सब कुछ किसने दिया, ये मेरे ठाकुर का ही दिया हुआ है। एक बार ठाकुर की दी हुई चीज विश्वास के साथ कि हे ठाकुर मेरा तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ आपका है, तो उसी भाव से जब शबरी बनकर आप सेवा करोगे तो भगवान कहते हैं तो दो हाथ से सेवा कर, मैं हजार हाथ से तेरे भंडार भरने में देर नहीं लगाऊंगा। तू मन तो बना, व्यवस्था मैं अपने आप कर दूंगा। अब प्यारे जैसे कथा वक्ता ने चौथे दिन का निमंत्रण दिया, अब लक्ष्मी जी सोच रही है कि महाराज तीन दिन तो हो गए, भगवान ने अपना प्रभाव तो दिखा दिया, अब थोड़ा मैं भी प्रभाव दिखाऊं। चौथे दिन महारानी लक्ष्मी ओचंदी गांव में आ गई, बूढ़ी मैया का रूप लेकर। किसका रूप लेकर? बूढ़ी मैया का। जैसे ही ओचंदी गांव में आई, एक घर में एक महिला तैयार हो रही थी, क्यों? कृष्ण जन्म था, बधाइयां तोहफे लेकर रख रखे थे, माखन बिलो रही थी कि माखन भी लेके जाना है। इतने में बूढ़ी मैया उसके घर के बाहर आई। बूढ़ी मैया कौन थी? लक्ष्मी। अब बूढ़ी मैया का रूप धर के उस घर के बाहर आवाज मारती है कि बेटी बहुत प्यास लग रही है, थोड़ा जल पिला दो, थोड़ा पानी पिला दो। अब अंदर वो जो महिला तैयार हो रही थी कहने लगी, मैया किसी और घर में पी लो, मैं तैयार हो रही हूं, मुझे भागवत कथा में जाना है, बहुत आनंद आ रहा है कथा में। अब बूढ़ी मैया कहती, अरे बेटा कथा में यही तो सिखाते हैं अतिथि देवो भव, कि जो तुम्हारे घर पे आए उसकी सेवा कर लो, और मैं तुमसे क्या मांग रही हूं, थोड़ा जली तो मांग रही हूं। उस महिला ने सोचा बात तो सही कह रही है, अरे मैया रुको, बेमन से अंदर गई, एक लोटे में जल भरा और बूढ़ी मैया को बोला, लो जल्दी पियो, मुझे कथा में जाना है, देर हो रही है। अब जैसे बूढ़ी मैया ने स्टील के लोटे में जल पिया, चमत्कार हो गया, वो स्टील का लोटा सोने के लोटे में बदल गया। अब तो ये देखकर जिस बहू को जल्दी हो रही थी ना कथा में जाने की, अरे मैया मेरे घर में आओ, भोजन भी कर लो। अभी तक तो पानी पिलाने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन जब स्टील का लोटा सोने में बदल गया, अरे मैया अब तो मेरे घर में आओ, भोजन करो। क्योंकि जब लोटा स्टील का सोने में बदल गया तो प्यारे जब भोजन करेगी तो सारे बर्तन। अब बूढ़ी मैया कहती, ना बेटा कथा में चली जा, देर हो रही है। बोले, ना मैया कथा तो अभी चार दिन और चलेगी, कथा तो अभी चार दिन और चलेगी। बोले, ना बेटा कथा नहीं छोड़ते, कथा में जरूर जाना चाहिए, कथा के बिना कुछ नहीं है। जब बूढ़ी मैया बार बार कहने लगी तो बहुरानी कहने लगी, एक शर्त पे जाऊंगी। बोले, क्या? बोले, तुम मेरे घर पे बैठो, जब तक मैं कथा से ना आऊं जब तक जाना मत। बूढ़ी मैया ने कहा, ठीक है। अब जैसे ही बूढ़ी मैया को घर में बिठाया, उस बहुरानी ने क्या किया, बाहर से ताला मार दिया। अब जाके दिखाओ। अब जैसे ही बहुरानी कथा में गई, अब तीन दिन तक तो खूब कथा में मन लग रहा था, क्योंकि नारायण की प्रभाव था। अब चौथे दिन जैसे कथा में गई, अब उसका मन ही नहीं लग रहा, क्यों? अब किसका प्रभाव हो गया?
लक्ष्मी का। अब उसका मन अटका हुआ है घर के अंदर, क्योंकि लक्ष्मी बूढ़ी मैया विराजमान है। और कहते हैं जिस किसी का कोई बात पेट में अटक जाती है ना महिला के, जब तक अपनी पक्की भाण को ना बता दे, जब तक उसे कुछ कुछ होता रहता है, ए बेबे क्या कथा सुन रही है? देख कथा तो मैं सुनाती हूँ। घर में एक बूढ़ी मैया बैठी है, स्टील के लोटे में पानी पिलाया था, सोने का लोटा हो गया। अब मैं उसे घर बिठा के आई हूँ, भोजन कराऊंगी सारे बर्तन। देख तू मेरी पक्की भाण है ना, किसी से कहिए मत। अब वो ये भूल गई कि इसकी पक्की भाण ये है, तो इसकी भी कोई पक्की भाण होगी। अरे तैरते कह रही हूँ तू किसी से मत कहिए, तैरते कह रही हूँ तू। सारी करते 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 पूरे पंडाल में, वे बच्चों को चुप करा दो बेटा, पूरे पंडाल में बात फैल गई। अब क्या हुआ, एक एक करके सब उठ उठ के जाने लगी। अब कथा वक्ता देखते रह गए और समझ गए कि भैया अब लक्ष्मी का प्रभाव हो गया। अब प्यारे सब के सब उस बूढ़ी मैया के पास पहुंचे, सब के सब उसे अपने घर ले जाने के लिए तैयार थे। लेकिन लक्ष्मी जी उसी के घर जा रही थी जिसने प्रेम से कथा सुनी, जिसने प्रेम से सेवा करी, जिसने जिस भाव से सेवा करी। लक्ष्मी उन उनके घर गई और जैसी जैसी सेवा करी वैसे वैसे भंडार भरे। तभी कहते हैं सेवा करने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जितनी सेवा करोगे लक्ष्मी जी उससे कई गुना तुम्हारे भंडार भरेंगी। प्यारे लक्ष्मी जी ने सबके भंडार भरे, सभी औचंदी ग्रामवासियों से कहा अब चलो कथा पंडाल में चलते हैं। अब आगे आगे लक्ष्मी जी और पीछे पूरे औचंदी गांव वाले। जैसे कथा पंडाल में आए, कथा वक्ता ने क्या देखा, आगे लक्ष्मी जी और पीछे पूरे औचंदी ग्रामवासी। अब लक्ष्मी जी कहने लगी हे प्रभु अब बताओ ये संसार किसके पीछे है, ये संसार किसके पीछे है? कथा वक्ता ने कहा देवी अभी तो ये आपके पीछे है, लेकिन एक सच बात बताऊं, सबने पहले किसकी कथा सुनी? हरि की कथा सुनी। देखो जिसने हरि की कथा सुनी लक्ष्मी को उन सबके घर पे जाना पड़ा, क्योंकि प्यारे प्यारे जो नारायण के पीछे पड़ता है लक्ष्मी जी उनके पीछे पीछे जरूर आती हैं और उनके भंडार अवश्य भरती हैं। केवल लक्ष्मी के पीछे जाओगे तो परेशान रहोगे, कभी हाथ नहीं आएगी। इसलिए अगर लक्ष्मी को बुलाना है तो पहले हरि को मनाना पड़ेगा, हरि की कथा सुननी पड़ेगी, हरि की सेवा करनी पड़ेगी। और जिसने हरि की सेवा की लक्ष्मी ने उसकी सेवा करी। इसीलिए प्यारे ये भागवत कथा आप सभी के सहयोग से हो रही है। और इस भागवत कथा में हम जानते हैं कि ऐसी ऐसी माताएं बहनें भी हैं जो अकेले भागवत कथा भी करा सकती हैं और अकेले भंडारा भी करा सकती हैं। लेकिन ठाकुर जी चाहते हैं यहाँ पे कोई अमीर कोई गरीब नहीं है, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, सबको समान अधिकार है। कि हाँ कोई एक रुपये की सेवा करेगा उसका भी व्यासपीठ से स्वागत है, कोई कैसे भी सेवा करेगा। ठाकुर जी कहते हैं कि तू सेवा का मन बना, व्यवस्था में अपने आप बना दूंगा। 12 तारीख को श्रीमद् भागवत कथा का संपूर्ण हवन और भंडारे की व्यवस्था रखी गई है। जो भी भक्तजन भंडारे में चाहे नगद राशि के रूप में चाहे सामान के रूप में जिस प्रकार की भी सेवा करना चाहे वो अपनी सेवा अवश्य लिखवाएं, क्योंकि ज्ञान की गंगा के साथ में जो सेवा की गंगा में भी डुबकी लगाता है, विश्वास मानो उसके घर परिवार और उसके घर का जो भी पितृ दोष होता है प्यारे वो शांत हो जाता है। कि 101 रुपये भागवत कथा में सेवा आई है, इनके लिए जोरदार तालियों का स्वागत करेंगे। और एक विवेक राणा जी ने
भंडारे में 1100 रुपए की सेवा दी है, इनके लिए भी जोरदार तालियों का स्वागत करेंगे। और एक 501 रुपए भागवत कथा में सेवा आई है, इनके लिए भी जोरदार तालियों का स्वागत। और 1100 रुपए एक गुप्त दान आया है, इनके लिए भी जोरदार तालियों का स्वागत करेंगे। कहते हैं जो जिस भाव से सेवा करते हैं ठाकुर जी उनके भंडार भरने में देर नहीं लगाते। इसीलिए आप सबका व्यासपीठ से स्वागत है। जिस किसी का भी अपनी घर परिवार में सुख शांति के लिए किसी भी रूप में सेवा करना चाहें, वो लता दीदी को अपना नाम अवश्य लिखवाएं और इस ज्ञान की गंगा के साथ में सेवा की ज्ञान गंगा में भी गोते लगाएं। लेकिन सेवा करने के बाद में अपने अंदर अभिमान कभी मत लाना कि हमने इतनी सेवा करी। हमेशा यही कहना, हे ठाकुर जी आपने हमें इस लायक बनाया कि हम भी सेवा करने के सौभाग्यशाली बने, अधिकारी बने, आपने हमारी भी हाजिरी लगाई। क्योंकि जो आदमी परमात्मा की सेवा में रहता है परमात्मा उसकी सेवा करता है, और वो अगर परमात्मा उसकी सेवा करता है तो चमत्कार भी करता है कि तुम्हारे सारे काम करेगा लेकिन नाम भी अपना नहीं आने देगा, नाम भी तुम्हारा ही होगा। फिर तुम यही कहोगे मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया से, मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। जरा उठाइए अपने हाथों को, तालियों की सेवा में लगाइए।
अब दरकार ही नहीं है, किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। दाता तेरी बदौलत, दाता तेरी बदौलत, काना तेरी बदौलत, काना तेरी बदौलत, आराम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से। किसको लगता है जो भी काम कर रहा है मेरा ठाकुर कर रहा है, हम कुछ करने वाले नहीं हैं। जिसको लगता है हाथ उठा के तालियों की सेवा करेंगे और यही कहेंगे, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है, दया से सभी काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी दया से मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है, मेरा सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है। प्रेम से बोलना पड़ेगा, जय जय श्री राधे। के प्यारे कि जब अश्वत्थामा ने पांडव के आखिरी वंश पर ब्रह्म अस्त्र चलाया, और पांडव का आखिरी वंश कौन, अभिमन्यु की धर्मपत्नी उत्तरा के घर में पल रहा शिशु जिसका नाम परीक्षित हुआ, और जब परीक्षित ने कलयुग को स्थान दिए जो कि हमने कल आपको बताए थे, चार स्थान दिए, पहला मदिरापान, दूसरा जुआ, तीसरा परिस्त्रीगमन और चौथा हिंसा। जब चारों स्थान दिए तो कलयुग ने कहा, महाराज ये चारों तो बुरे बुरे स्थान हैं, कोई एक अच्छा स्थान भी दे दो। तब परीक्षित ने कहा, ठीक है मैं एक स्थान तुझे वो देता हूँ जो बहुत अच्छा है, जिसे कहते हैं स्वर्ण, स्वर्ण अर्थात गोल्ड, कि जा तुझे स्वर्ण में स्थान मिले। अब कलयुग बड़ा प्रसन्न हुआ कि मुझे इतना अच्छा स्थान मिला, लेकिन ये स्थान है कहाँ। कलयुग ने देखा, ओहो राजा परीक्षित ने सोने का मुकुट धारण करके रखा है, बोले इससे अच्छा स्थान तो मिल ही नहीं सकता। बिना पल गवाए कलयुग राजा परीक्षित के सर पे सवार हो गए, क्यों, क्योंकि सोने का मुकुट धारण कर रखा था। अब देखो जब कलयुग आता है ना, सबसे पहले इंसान के अंदर मैं आ जाती है, ये काम मैं कर सकता हूँ, मेरे ना आने पर वो काम होगा भी नहीं, हर काम में मैं करता है। और जिसके अंदर मैं आती है और मैं का पूरा खानदान होता है, क्या जिसके अंदर मैं आती है उसके अंदर अभिमान आ जाता है। अभिमान का अर्थ होता है मेरी बात अभिमान, और उसकी बात नहीं मानी जाती तो क्या होता है, क्रोध आ जाता है, और जब क्रोध आता है विनाश काले विपरीत बुद्धि, बुद्धि पलट जाती है, फिर वो ये नहीं देखता कि मैं क्या अच्छा कर रहा हूं और क्या बुरा कर रहा हूं। और यही राजा परीक्षित के साथ हुआ। राजा परीक्षित शिकार खेलने के लिए वन में गए, रास्ता भटक गए, और भटकते भटकते एक आश्रम में पहुंच गए, प्यास लग रही थी,
जैसे आश्रम में पहुंचे तो क्या देखा, शमिक ऋषि साधना में लीन थे। राजा परीक्षित को प्यास लग रही थी, क्यों? क्योंकि सिर पे कलयुग सवार था। जो परीक्षित संत महात्मा की सेवा में आगे रहते हैं, आज कलयुग सर पे सवार है तो आदेश दे रहे हैं, महात्मा हमें पानी पिला दो। लेकिन महात्मा तो समाधि में लीन, भगवान के ध्यान में लीन। जो भगवान में ध्यान लगाते हैं उनको संसार की बात सुनाई नहीं देती, ध्यान देना। राजा परीक्षित ने एक बार बोला, दो बार बोला, कई बार बोला, जब शमिक ऋषि ने नहीं सुना, राजा परीक्षित बात नहीं मानी तो क्रोध आ गया। और क्रोध में क्या किया, एक मरा हुआ सांप लिया और शमिक ऋषि के गले में डाल दिया। और जैसे ही राजा परीक्षित अपने महलों में गए, सोने का मुकुट उतारा तो कलयुग भी उतर गया। अब परीक्षित को पछतावा हुआ कि हाय, मैंने ये क्या कर दिया, जिस संत महात्मा का मैं आदर सम्मान करता था, आज मैं इतना ऐसा काम कर दिया। महात्मा से क्षमा मांगनी पड़ेगी, प्रायश्चित करना पड़ेगा। लेकिन प्यारे, अब पछतावत होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। क्षमा मांगने से पहले ही शमिक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि, जिसको पता लगा कि मेरे पिता के गले में एक राजा परीक्षित ने मरा हुआ सांप डाल दिया, उसी क्षण उस परीक्षित को श्राप दे डाला कि राजा परीक्षित, तूने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला है, जा आज से सातवें दिन तुझे काला तक्षक नाग डस लेगा और तेरी मृत्यु निश्चित रूप से होगी। और जब ये बात राजा परीक्षित को पता चली कि मुझे एक महात्मा ने श्राप दे दिया है कि मेरी सात दिन में मृत्यु हो जाएगी, तो इसका मतलब पक्की होगी, क्योंकि महात्मा का वरदान भी विफल नहीं होता और श्राप भी विफल नहीं होता। अब जिस किसको पता लग जाए कि मेरी मृत्यु सात दिन में निश्चित होगी, वो क्या करेगा? देखो, जिस किसी को पता लग जाए कि मेरी मृत्यु सात दिन में हो जाएगी, उसको क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? बैंक से पैसे निकाल लेने चाहिए, सारी प्रॉपर्टी इकट्ठी कर लेनी चाहिए, क्योंकि प्यारे ये सब तो बेकार है। अब राजा परीक्षित को पता चला कि मेरे सात दिन शेष रह गए और ये राजा परीक्षित और कोई नहीं, प्यारे आप और हम ही हैं, क्योंकि हमें भी केवल सात दिन का ही समय मिला है। इसीलिए भागवत कथा भी सातवें दिन ही होती है, आठवां दिन नहीं होती। सोम मंगल बुध वीर शुक्र शनि और इतवार, इन्हीं सात दिनों में ये जीव संसार में आता है और यही जीव संसार छोड़कर इन्हीं सात दिनों में परमात्मा के पास जाता है। जो करना इन्हीं सात दिन में कर लेना। इसीलिए भागवत कथा में कहा जाता है कि प्यारे ये बहुत अमूल्य दिन होते हैं, जो तुम जीवन भर नहीं कर सके, प्यारे सात दिन में कर लेना तो तुम्हें जीवन का फल प्राप्त हो जाएगा। अब राजा परीक्षित ने भी ऐसा ही किया, अपना सब कुछ राजपाट अपने पुत्र जन्मेजय को दिया और निकल पड़े अपनी मुक्ति का साधन ढूंढने के लिए। जैसे मुक्ति का साधन ढूंढने के लिए निकल पड़े, सामने से श्री सुखदेव भगवान आ गए। बोले श्री सुखदेव भगवान की, उनसे कहा कि हे प्रभु, मुझे कोई ऐसा साधन बताओ, ये तो निश्चित रूप से मेरी मृत्यु होनी है, लेकिन मैं चाहता हूं उससे पहले मुझे भक्ति और मुक्ति दोनों मिल जाए। तब श्री सुखदेव ने कहा कि भक्ति और मुक्ति पाने का एक सरल साधन है श्रीमद् भागवत कथा, कि अगर आप वाकई मुक्ति पाना चाहते हो, भक्ति पाना चाहते हो मेरे गोविंद की, तो सात दिन एकाग्र मन से कथा श्रवण करो।
तब प्यारे श्री सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को एक वट वृक्ष के नीचे श्रीमद् भागवत कथा का अमृत पान कराया। और प्यारे जैसे ही 5 दिन हुए, श्री सुखदेव भगवान को लगा कि जरा देखो तो सही ये राजा परीक्षित मुक्ति पाने का अधिकारी है कि नहीं। श्री सुखदेव भगवान ने इंद्र को आदेश दिया कि इसकी परीक्षा ले लो। अब इंद्र ने क्या किया, स्वर्ग से एक मंगल कलश लेकर आए जिसे अमृत कलश भी कहा जाता है, और वो इंद्र अमृत कलश लेकर परीक्षित के पास आए। बोले परीक्षित तुम्हें एक मौका देना चाहते हैं। बोले कैसा मौका। बोले आप ये भागवत कथा सुन रहे हो इससे तो केवल मुक्ति मिलेगी, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा अमृत कलश दूंगा जिससे तुम अमर हो जाओगे। प्यारे राजा परीक्षित ने उस अमृत कलश को ठुकरा दिया कि मुझे अमर नहीं होना, क्योंकि अमर तो अश्वत्थामा भी हुए हैं। सारे जीवन भर अमर रहे लेकिन तड़पते रहे, क्योंकि जो मणि छीनी थी ना वो जखम नासूर बनके उनके जीवन भर साथ चलेगा, तो ऐसे अमर होने का क्या फायदा। मैं तो भक्ति और मुक्ति पाना चाहता हूं। इंद्र का वो अमृत कलश राजा परीक्षित ने ठुकरा दिया। और सच बताएं ये कथा देवताओं को भी दुर्लभ है, जो तुम्हें इतनी सरलता से आसानी से मिल रही है। एक तरफ तराजू में संसार के सभी सुख साधन रख दो और एक तरफ मेरे ठाकुर जी की भागवत कथा रख दो, संसार के सभी सुख साधन हल्के पड़ जाएंगे मेरे ठाकुर के तराजू के पुष्पे। ये भागवत कथा का इतना प्रभाव है, और ये आप यहीं से देख लो ना कि इतनी गर्मी पड़ रही है, सबके घर में एयर कंडीशन भी है, कूलर भी है, पंखे भी हैं, लेकिन गर्मी मेरे ठाकुर जी की कथा का अमृत पान कर रहे हो, इसका मतलब संसार के समस्त सुख साधन हल्के पड़ गए और मेरे ठाकुर की कथा का प्रभाव आप सब पर है। इसीलिए प्यारे आप सभी बड़े भाव से इस कथा का अमृत पान कर रहे हैं। क्यों, जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है, अधर्म का नाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान को कई रूपों में आना पड़ता है। सर्वप्रथम पृथ्वी जब अथाह जल में डूब रही थी, तब भगवान ने वारह रूप में अवतार लेकर इस पृथ्वी को अथाह जल से उबारा। उसके बाद भगवान ने सुयज्ञ रूप में अवतार लिया, जिसकी पत्नी का नाम था दक्षिणा। और ये शास्त्रों में लिखा है, जब भी कोई यज्ञ कराओ, जब भी कोई हवन कोई अनुष्ठान कराओ, जब तक उस यज्ञ की दक्षिणा नहीं दी जाती तब तक वो यज्ञ संपन्न नहीं माना जाता। क्यों, क्योंकि यज्ञ की पत्नी का नाम है दक्षिणा। और प्यारे उसके बाद भगवान ने कपिल मुनि के रूप में अवतार लिया, जिन्होंने अपनी माता को आत्मज्ञान का उपदेश दिया। और प्यारे कि एक बार नारद जी अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछ रहे हैं कि हे पिताश्री, ये संसार किसने बनाया, ये संसार किसके अधीन है, और ये संसार समाप्त होने के बाद कहाँ जाता है। तब ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र तुमने बहुत अच्छी बात पूछी, ये संसार रचने वाले, ये संसार का पालन करने वाले और इस संसार का सहार करने वाले और कोई नहीं, श्री हरि नारायण भगवान है। बोलिए श्री हरि नारायण भगवान की। एक बार जब श्री हरि नारायण भगवान जल में शयन कर रहे थे, तभी उनकी नाभि में से कमल प्रकट हुआ और कमल में से ब्रह्मा जी। तब श्री हरि ने कहा, पुत्र अब आप सृष्टि की रचना कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम अपने 4 मानस पुत्र उत्पन्न किए,
सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, जिन्हें संकादिक ऋषि भी कहा जाता है, उनसे कहा कि आप सृष्टि रचो। लेकिन प्यारे, वो तो मानस पुत्र थे, मन से उत्पन्न हुए थे, मैथुन सृष्टि कैसे रची जाए। अब सबके सब संकादिक ऋषि तप करने वन में चले गए, सृष्टि आगे नहीं बढ़ी। तब ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री उत्पन्न करी, जिसका नाम था सरस्वती, जो इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, जिसकी सुंदरता पर स्वयं ब्रह्मा जी मोहित हो गए। तब उनके पुत्रों ने कहा कि हे पिताश्री, आप जैसे सृष्टि रचेता जब ये घृणित कार्य करेंगे तो आपके द्वारा रचा गया कार्य कैसे करेंगे लोग। देखो, जो संस्कार पिता में होते हैं, कुछ संस्कार अपने बच्चों में अपने आप आ जाते हैं, जिसे कहते हैं जेनेटिक। किसी के पिता को अगर सांस की प्रॉब्लम है तो बच्चों को भी आ जाती है, इसे कहते हैं जेनेटिक प्रॉब्लम। लेकिन संस्कार ये दिए जाते हैं। आपने देखा होगा, कोई पिता अपने छोटे छोटे बच्चों को मंदिर ले जाते हैं, बच्चों को कुछ नहीं पता, लेकिन जैसे वो पिता को देखते हैं ना, वो भगवान के आगे हाथ जोड़ रहे हैं, राधे राधे बोल रहे हैं, तो बच्चे भी छोटे छोटे तुतलाती आवाज में क्या कहते हैं, राधे राधे। क्यों? क्योंकि वो देख रहे हैं। इसीलिए प्यारे, हम आपसे कहते हैं कि आप तो कथा में आओ, साथ में बच्चों को भी लाया करो, कि जो नहीं आ सके उन्हें कथा का अमृत जरूर दिया करो। अरे बच्चे 10 बात सुनेंगे तो एक बात दिमाग में जरूर बैठेगी, और अगर दिमाग में एक बात बैठ गई तो वो बच्चे आपका बुढ़ापा सुधार देंगे, क्योंकि आप उन्हें सत्संग की राह पे ले जा रहे हो। लेकिन आजकल माता पिता क्या करते हैं, बच्चों को मोबाइल हाथ में दे देते हैं, और छोटे छोटे बच्चे छोटे छोटे हाथों से ऐसे चलते रहते हैं, उनसे मोबाइल छीन के दिखाओ पूरे घर में आतंक मचा देते हैं। क्यों? उन्होंने, आपने उनको ऐसी आदत डाल दी। आप मंदिर में लाओ। अब एक पिताजी अपने बेटे को मंदिर ले गए, अब पिताजी तो आरती कर रहे हैं, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। अब छोटा सा बच्चा देख रहा है, उसे आरती तो आती नहीं, वो छोटे छोटे हाथों से कहता है ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट। अब पिताजी कहते हैं अरे बेटा तू क्या कर रहा है? बोले जो आप कर रहे हो। बोले मैं तो आरती कर रहा हूँ। बोले आपको आरती आती है तो आप आरती कर रहे हो, मुझे तो आरती आती नहीं, इसलिए मैं ठाकुर से कहता हूँ मुझे तो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय आता है, इसी को आरती समझ के स्वीकार कर लो। इसीलिए कहते हैं प्यारे, अगर आप चाहते हो अपना बुढ़ापा सुधारना तो बच्चों को कथा से जोड़ देना, बच्चों को सत्संग से जोड़ देना, आपका बुढ़ापा सुधर जाएगा। अब प्यारे, इतना जैसे संकादिक ऋषियों ने नारद जी से कहा, ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी लज्जित हो गए और उसी क्षण अपने प्राण त्याग दिए और ब्रह्मा जी के शरीर के दो भाग हो गए, एक भाग से स्त्री और एक भाग से पुरुष। जो पुरुष हुआ वो मनु कहलाए और जो स्त्री हुई उसे शत्रुपा कहा गया। हम सब कहते हैं कि मनुष्य हैं, मनुष्य हैं, हम मनुष्य नहीं, हम मनु से हैं, अर्थात मनु की संतान हैं। इन्हीं मनु और शत्रुपा से 5 संतान उत्पन्न हुई, जिसमें 2 पुत्र और 3 पुत्रियां, एक प्रियव्रत, दूसरा उत्तानपद, एक आहुति, आकृति और प्रसूति। आकृति का विवाह प्रजापति से हुआ, देवहूति का विवाह कर्दम मुनि से हुआ और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। और दक्ष प्रजापति कौन? भोले बाबा के ससुर जी, जो भोले बाबा से बहुत द्वेष करते थे,
क्यों? क्योंकि उन्हें लगा कि भोले बाबा ने मेरा अपमान कर दिया। कब? एक बार सभी देवी देवताओं की सभा लगी हुई थी और उस सभा में दक्ष प्रजापति आए, सब खड़े हो गए उनके सम्मान के लिए, लेकिन भोले बाबा की आंख बंद थी और ध्यान में लगे रहे, वो खड़े नहीं हुए। और दक्ष प्रजापति को उसका अपमान लगा कि मेरा अपमान कर दिया। और इसका बदला लेने के लिए दक्ष प्रजापति ने कनखल में एक महान यज्ञ किया और उस यज्ञ में सभी को बुलाया, लेकिन भोले बाबा को नहीं बुलाया। अब सोचो, तुम्हारे पड़ोस में किसी की शादी हो रही हो, सबको कार्ड दिया जाए और तुम्हें कार्ड ना मिले तो कैसा लगेगा? सबको कार्ड दिया जाए, तुम्हें कार्ड ना मिले तो कैसा लगेगा? ऊपर से देखो, पड़ोसन तैयार होके जाए और तुमसे पूछे, ए बहन तुम नहीं चल रही, तो सोचो जले पे नमक लगेगा। अब यही सती के साथ हो रहा था, ध्यान देना। एक तो बुलाया नहीं, ऊपर से इंद्र की इंद्राणी तैयार होके जा रही है और कहती है, ए बेबे तू ना चल रही, क्या तुझे बुलाया नहीं? अब तो सती तिलमिला उठी, जो भी महारानी जाए सती से जानबूझ के पूछे, तुझे नहीं बुलाया तेरे पिता ने। अब तो सती गई भोले बाबा के पास, बोले बाबा, भूत भावन भूतेश्वर बाबा काशी विश्वनाथ, आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। बोले पूछो। आपको पता है मेरे पिता ने एक महान यज्ञ किया? बोले हाँ पता है। सबको निमंत्रण दिया, क्या पता है? बोले ये भी पता है। बोले हमें नहीं बुलाया? बोले रानी ये भी पता है। बोले तो मैं एक बार मुझे प्रार्थना करती हूँ कि मुझे उस यज्ञ में जाने की आज्ञा दे दो, मैं देखना चाहती हूँ कि जिस यज्ञ में त्रिलोकी नाथ को नहीं बुलाया उस यज्ञ में कौन कौन भाग लेता है, एक बार जाने दो। भोले बाबा मुस्कुराए, बोले देवी जहाँ पे बुलावा ना हो ना वहाँ जाना नहीं चाहिए। ये आप भी ध्यान देकर सुनना, क्या कहीं आपको अगर बुलावा ना मिले तो भूल के मत जाना, वरना क्या होगा, अपमान के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन भोले बाबा ने कुछ स्थान बताए हैं कि जहाँ पर तुम बिन बुलाए भी जा सकते हो। कहाँ? सत्संग में, कीर्तन में, कथा में, और कोई सेवा हो तो उसमें किसी बुलाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये भागवत कथा किसी संसारिक कार्य का कार्य नहीं है, ये तो संसार रचने वाले का कार्य है। इतने बड़े मत बन जाना कि हम क्यों जाएं, हमें तो किसी ने संदेशा नहीं दिया, हम क्यों जाएं, हमें किसी ने बुलावा नहीं भेजा। अरे प्यारे, एक छोटा सा बच्चा भी अगर खेलता खेलता तुम्हारे घर के आगे से निकल जाए और वो कहता जाए, ओ हमारे गांव में तो बंगला चौपाल में कथा हो रही है, अगर उस बच्चे के द्वारा भी तुम्हारे कान में पड़ गया तो उसे बच्चा मत समझना, उसे मेरे ठाकुर का रूप ही समझना कि तुम्हें निमंत्रण भेज दिया। फिर किसी बुलावे का इंतजार मत करना। अगर तुमने मंगल कलश यात्रा देख ली तो भी समझ लेना कि साक्षात नारायण ने हमें कलश यात्रा के दर्शन करा दिए, हमें वहाँ जाना चाहिए। और वहाँ जाने के बाद आप प्रेम से कथा सुनो, अगर भगवान ने तुम्हें सामर्थ्य दिया है तो सेवा करो, क्योंकि ये कथा और सेवा ही तुम्हारे जीवन को तार सकती है, ये कथा और सेवा ही तुम्हारे घर में सुख शांति ला सकती है। अब प्यारे भोले बाबा समझा रहे हैं कि सती मत जाओ मत जाओ, लेकिन सती नहीं मानी। क्या? जो कल्याण हो ना हो वाय नारी का, जो पति की बात न माने। अब उस सती ने पति की बात नहीं मानी और चली गई कनखल में उस यज्ञ में भाग लेने के लिए। क्या हुआ? राजा दक्ष प्रजापति ने सती का अपमान किया, वो सहती रही सहती रही।
तो अघोरी की पत्नी है, तो नग्न आदमी की पत्नी, खाने को नहीं, पीने को नहीं, रहने को नहीं, ना जाने कितना अपमान किया, सहती रही। लेकिन प्यारे, जब पति का अपमान करने के लिए दक्ष प्रजापति कहने लगे, तभी कहा बस। क्योंकि हर पत्नी व्रता, पति व्रता अपना अपमान तो सह सकते हैं, लेकिन अपने अर्धांगिनी का, अपने पति का अपमान नहीं सह सकते। अब प्यारे, जैसे ही भोले बाबा का अपमान किया, अब बोले मैं किस कारण वापस अपने पति के यहाँ जाऊँ, क्योंकि वहाँ से तो मैं जिद करके आ गई और यहाँ अपमान सह लिया। बोले हे अग्निदेव, अब आप ही मुझे अपनी गोद में ले लो, अपनी शरण में ले लो। तभी वो अग्नि प्रकट करी और प्यारे उसी में स्वाहा हो गई। अब उत्तानपाद, जिसकी दो पत्नियां, एक का नाम सुरुचि, एक का नाम सुनीति। जो सुरुचि थी वो बहुत सुंदर थी, गोरी चिट्टी थी, नए नक्श भी अच्छे थे, और जो सुनीति थी वो सांवली थी, वो कुरूप थी। देखो, जरूरी नहीं जो बाहर से सुंदर हो वो अंदर से भी उतना सुंदर हो। कई बार आपने देखा होगा, सुना होगा, बहुत सुंदर बहू आती है, दिखने में बहुत सुंदर होती है, लेकिन पूरे घर को नचा डालती है। और कई बार ऐसी बहुएं भी आती हैं जो दिखने में भले सुंदर ना हो, लेकिन पूरे घर को बांध के भी रखती हैं। इसलिए सुंदरता मन की होनी चाहिए। कि एक कुम्हार मिट्टी से चिलम बना रहा था। क्या बना रहा था? चिलम समझते हो ना? ओहो, अम्मा जी तो दिखा रही हैं, ये होती। तभी वो मिट्टी रो रही है, कहती ए कुम्हार, तू ये क्या बना रहा है? चिलम, जिससे मैं भी जलूंगी और दूसरों को भी जलाऊंगी। तभी कुम्हार का मन पलटा, उसी चिलम को फिर रौंदा और उसी मिट्टी से सुराही बनाने लगा। सुराही समझते हो ना? जैसे ही सुराही बनाने लगा, मिट्टी बड़ी खुश हुई, बड़ी प्रसन्न हुई, कहती ए किसान, तेरा मन क्या पलटा? मेरी जिंदगी पलट गई। पहले तू चिलम बनाता जिससे मैं भी जलती और दूसरों को भी जलाती, अब तूने उसी मिट्टी से सुराही बना दी, अब मैं खुद भी शीतल रहूंगी और दूसरों को भी शीतलता प्रदान करूंगी। कि एक मटके से किसी ने पूछा कि भैया, तू इतना ठंडा, इतना शीतल क्यों है? मटके ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि जिसकी शुरुआत भी मिट्टी से हुई और जिसका अंत भी मिट्टी में हुआ, उसे किस बात का अभिमान? इसीलिए मैं ठंडा रहता हूँ। और इस इंसान को देखो, इसकी भी शुरुआत मिट्टी से हुई है और प्यारे मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद भी ये इंसान कितना अकड़ के चलता है, कितना अहंकार है कि मेरे बेटे हैं, मेरी बेटियां, मेरा महल, मेरा न जाने सब कुछ मेरा मेरा करता है। और संत महात्मा कहते हैं तेरा कुछ भी नहीं है। तभी तो कहा जाता है, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। जरा उठाइए अपने हाथों को, तालियों की सेवा में लगाइए। बेटा
बेटा क्या करता है। मेरा बेटा तो बहुत ख्याल रखता है। बेटा तब तक ही ख्याल रखता है जब तक शादी नहीं होती। शादी के बाद क्या होता है? बेटा बेटा क्या करता है, बेटा बेटा क्या करता है। बेटा तेरा जय हो जय हो, बेटा तेरा राधे राधे। बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा, बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। बोले बेटा तो पड़ोसी बन गया, लेकिन बेटी तो साथ है। और ये सच्चाई है, पिता जब काम से रात को घर आते हैं, बेटा जागा हुआ भी जानबूझ के सो जाएगा, कहीं पानी ना पिलाना पड़ जाए। और बेटी सोई हुई भी पिता के पैरों की आहट से उठ जाती है, पानी का गिलास लाती, लो पापा पानी पी लो, खाना बना दूं। प्यारे जब तक रहती है तब तक भी ख्याल रखती है, और दूर ससुराल चली जाती है तो बार बार फोन करती, माँ तू ठीक तो है, कोई दिक्कत है तो मैं आ जाती हूँ। बेटी दूर रहकर भी पास में है, और बेटा दूर पास रहकर भी क्या। बेटी बेटी क्या करता है, बेटी बेटी क्या करता है। बेटी 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 क्या करता है, बेटी 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 क्या करता है। बेटी को तो जय हो जय हो, बेटी को तो राधे राधे। बेटी को तो एक दिन जमाई ले जाएगा, बेटी को तो एक दिन जमाई ले जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। धन दौलत तेरे कोठी बंगले, धन दौलत तेरे कोठी बंगले, धन दौलत तेरे कोठी बंगले, धन दौलत तेरे कोठी बंगले। इनसे ममता छोड़ दे पगले, इनसे ममता छोड़ दे पगले। अच्छा सच बताओ, ये धन दौलत कोठी बंगले से ममता छूटती है? कागज संभाल के रखते हैं अलमारी में, किसी को नहीं दूंगी। ए बहू तू बाद में पहनियो सोना चांदी मेरे जाने के बाद, अभी तो मेरे धोरे ही रहेगा। प्यारे ये सच्चाई है, जब तक शरीर में प्राण है इंसान मेरा मेरा करता है, और जब वो मरता है तो उसी के घर वाले क्या करते हैं, उसके पुराने कपड़े बहा दिए जाते हैं, बहा देते हैं ना, पुराने बिस्तर भी बहा दिए जाते हैं, बहा देते हैं ना, उसके नाम जो मकान के कागज है वो भी बहा दिए जाते हैं। ये हंसी बता रही है, बहा देते हो? अच्छा, जो उसके पास टूम होते हैं टूम भी बहा देते हो? बोले ना बहाते। तो सोचो ये प्रेम किससे है? प्यारे सिर्फ जब तक शरीर में प्राण है जब तक प्रेम है, ये प्राण निकलते ही ये मिट्टी का ढेरा बन जाता है, कोई एक घंटा भी नहीं रखता। उसके बाद भी तुम इसे अपना अपना करते हो क्या? धन दौलत तेरे कोठी बंगले, धन दौलत तेरे कोठी बंगले, इनसे ममता छोड़ दे पगले, इनसे ममता छोड़ दे पगले। क्यों छोड़े? सब कुछ तेरा यहीं पे रह जाएगा, सब कुछ तेरा यहीं पे रह जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा।
कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, 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 मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। प्रेम से बोलना पड़ेगा। जय जय श्री राधे। अब प्यारे, इधर उत्तान पाद सभा में बैठे हैं, तभी सुरुचि का पुत्र उत्तम पिता की गोद में बैठ गया। तब सुनीति के पुत्र ध्रुव को भी मन में आया कि मैं भी अपने पिता की गोद में बैठूं। जैसे ध्रुव पिता की गोद में बैठने लगे, सुरुचि माँ ने हाथ पकड़ के नीचे उतार दिया। कहाँ बैठना चाहता है? बोले, माँ मैं अपने पिता की गोद में बैठना चाहता हूँ। बोले, पिता की गोद में तब बैठना, पहले भगवान की तपस्या करो, श्री हरि का तप करो और यही वरदान मांगो कि तुझे मेरी कोख में जन्म दे, तब तू अपने पिता की गोद में बैठना। अब रोते रोते ध्रुव अपनी माँ सुनीति के पास आए। बोले, बेटा क्या हुआ? बोले, माँ मैं अपने पिता की गोद में बैठने जा रहा था, तभी सुरुचि माँ ने मेरा हाथ पकड़ के कहा कि पहले भगवान की तपस्या कर और उनसे वरदान मांग कि तुझे मेरी कोख में जन्म दे, तब अपने पिता की गोद में बैठना। इतना सुनते ही सुनीति माँ की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगी, पुत्र जो अब तक प्रेम से मैं तुझे नहीं कह पाई, तेरी माँ ने क्रोध में कह दिया, जा भगवान की तपस्या कर। अरे ऐसे पिता की गोद में क्या बैठना जो बार बार चढ़ाए और बार बार उतारे, भगवान की सेवा करके भगवान की तपस्या करके ऐसी गोद में बैठ जा जो एक बार चढ़ जाए तो कोई उतारने वाला ना हो। प्यारे, तभी ध्रुव तप करने के लिए चले गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ऐसा तप करने लगे, पूरा ब्रह्मांड कांपने लगा, पूरा ब्रह्मांड हिलने लगा, इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। सब घबरा गए कि ऐसा कौन है जो तप कर रहा है। सब के सब श्री हरि विष्णु भगवान के पास गए कि प्रभु ऐसी कौन सी पुकार है, कौन तुम्हें पुकार रहा है, उसकी पुकार आप अवश्य सुनो। जैसे श्री हरि नारायण भगवान उस ध्रुव के पास गए, बोले, ध्रुव मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगते हो? ध्रुव ने कहा, प्रभु अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका दर्शन हो गया, हाँ देना ही चाहते हो तो अपने चरणों में स्थान दे दो। तभी श्री हरि ने कहा कि पुत्र मैं तुम्हें ऐसा स्थान देता हूँ जो अजर और अमर होगा। आप देखते हो ब्रह्मांड में एक तारा होता है, सितारे तो बहुत हैं, एक तारा जो बहुत चमकता है, क्या बोलते हैं, कितने ही बार प्रलय आ गई, हजारों लाखों बार युग बने, लेकिन वो तारा आज भी चमकता है क्योंकि उसे मेरे ठाकुर ने अपने शरण में स्थान दे रखा है। और प्यारे, कि जरूरी नहीं कि तुम सारी जिंदगी माला फेरो तो भगवान मिले, अगर तुम्हारी भक्ति में शक्ति है तो 5 वर्ष के बालक को भी भगवान दर्शन दे सकते हैं। हिरण्यकश्यप जो राक्षसों का राजा, जिसको ब्रह्मा जी के वरदान प्राप्त थे, जिसको ब्रह्मा जी के वरदान प्राप्त थे और उन्हीं वरदान की वजह से वो अपने आप को भगवान मान बैठा और सबसे कहने लगा कि तुम मेरे नाम का जाप करो, मेरे नाम का यज्ञ करो, मेरे नाम का हवन करो। डर के मारे सब देवी देवता
हिरण्यकश्यप का जाप करने लगे, हवन करने लगे, नाम लेने लगे। लेकिन कहते हैं कभी कभी एक ब्राह्मण के घर राक्षस का जन्म हो जाता है, जैसे आत्मदेव के घर धुंधकारी का जन्म हुआ। लेकिन कभी कभी राक्षस के घर में भगवान के भक्त का भी जन्म हो जाता है। और हिरण्यकश्यप के घर में किसका जन्म हुआ? प्रहलाद। बोलिए भक्त प्रहलाद की जय। वो दुनिया से कहता कि मेरा नाम लो, लेकिन खुद हिरण्यकश्यप का पुत्र नारायण भगवान का नाम लेने लगा, जिसकी वजह से हिरण्यकश्यप अपने पुत्र को दुश्मन मानता था। कभी छोटे से पुत्र को पहाड़ों से नीचे फेंकते, कभी उबलते हुए तेल के कढ़ाई में डाल देते। चमत्कार होता कि जैसे छोटे से बालक को पहाड़ों से नीचे फेंकते तो श्री हरि नारायण भगवान फूलों की तरह उसे गोद में ले लेते। क्यों? जिसका रखवाला मेरा गोविंद होता है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। इसीलिए प्यारे, अपने गोविंद पे भरोसा रखो। और प्यारे, जैसे ही उबलते हुए तेल के कढ़ाई में डालते, तेल शांत हो जाता। अब तो हिरण्यकश्यप कहने लगे, प्रहलाद कौन सी ऐसी शक्ति है जो तुम्हें बार बार बचाती है? बोले, नारायण भगवान है, अब विश्वास तो करो। कहाँ रहता है तेरा नारायण? बोले, वो कण कण में है। लेकिन हिरण्यकश्यप को विश्वास नहीं हुआ। अब क्या किया? होलिका को बुलाया कि होलिका, या तो मेरे पुत्र को प्यार से समझाओ कि मेरा नाम ले, नहीं तो हमें पता है तुम्हें ऐसा वरदान प्राप्त है कि अग्नि तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती और प्रहलाद का कुछ बच नहीं सकता। होलिका ने क्या किया? चिता बनाई और प्रहलाद को अपनी गोदी में बिठाया और चिता में अग्नि दे दी। देखो, अग्नि जलने के बाद में भी भक्त प्रहलाद मुस्कुरा रहे हैं और भगवान का नाम ले रहे हैं। ये चिता क्या है? ये संसार है। अग्नि क्या है? ये दुख है। और जो दुख में भी मुस्कुराता है, जो दुख में भी भगवान का नाम लेता है, उसका ये अग्नि कुछ बिगाड़ नहीं सकती। ध्यान देना, अग्नि जल रही है, प्रहलाद मुस्कुरा रहे हैं और क्या कहते हैं? भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण प्यारे, चिता भी जली, अग्नि भी जली, लेकिन जिसे जलना चाहिए वो नहीं जला, जिसको वरदान था वो जल गई। अर्थात जिसको वरदान था कि अग्नि उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती, प्यारे वो होली का जल गई और भक्त प्रहलाद बच गए। बोलिए भक्त प्रहलाद की जय। अब प्यारे हिरण्यकश्यप को विश्वास हो गया कि जिसका ये नाम लेता है इसका मतलब वो इसके साथ रहता है। अब हिरण्यकश्यप फिर कहने लगा, ये तो पक्का है प्रहलाद, जिसका तू नाम लेता है वो तेरी रक्षा करता है, लेकिन ये तो बता, तेरा नारायण रहता कहाँ है? चलो आपसे पूछते हैं, कहाँ रहते हैं भगवान? हैं मन में? आ हा हा, बहुत अच्छी बात है। एक बार दीदी के लिए जोरदार तालियों का स्वागत करेंगे। आप बताओ कहाँ रहते हैं भगवान? मन में। चलो अच्छा, जो भी ये सब कह रहे हैं मन में रहते हैं, इन सब का अल्ट्रासाउंड कराओ, इन सब की MRI करवाओ। अगर मन में रहते तो लोहा खंभे में से क्यों निकलते? प्रहलाद ने कहा, बड़े ध्यान से सुनना, प्रहलाद ने कहा वो तो कण कण में है। बोले, कण कण में है? चींटी में भी तेरा भगवान है? बोले, हाँ।
हाथी में भी तेरा भगवान है, बोले हाँ। सोने चांदी हीरे मोती में भी तेरा भगवान है, बोले हाँ। लोहे में भी तेरा भगवान है, खंभे में, बोले हाँ। देखो सब जगह भगवान है पर दिखता क्यों नहीं? तो आपको बता दे भगवान कहाँ है। भगवान है तुम्हारे विश्वास में। अगर मन में विश्वास है तो पत्थर में भी भगवान दिख जाएगा, और अगर विश्वास नहीं है तो सामने चतुर्भुज रूप में भी आ जाए तो प्यारे तुम पहचान नहीं पाओगे। बोले अगर तेरा भगवान लोहे के खंभे में है तो निकाल बाहर, बुला अपने भगवान को जिसका तू नाम लेता रहता है नारायण नारायण, बुला भगवान को। अब छोटे से बालक बड़े भाव से मुस्कुराए, क्यों? उन्हें विश्वास था कि लोहे के खंभे में भी भगवान है। बोले चिंता मत करो पिताश्री, अगर तुमने भगवान को बुलाया है तो वो जरूर आएंगे। कौन कौन बुलाना चाहता है मेरे भगवान को? तो हाथ उठा के कहेंगे वो आता होगा, 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 वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा, 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 मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा। तुम भी आना आना, तुम भी आना, तुम भी आना मेरे घर आज तमाशा होगा, तुम भी आना मेरे घर आज तमाशा होगा, वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा, आता होगा। देखो ऐसे ताली बजाओगे तो पड़ोसन भी नहीं आएंगी। ठाकुर जी तो बहुत दूर की बात है, जरा हाथ उठा के कहेंगे कन्हैया कन्हैया तुम्हें आना पड़ेगा, 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 वचन गीता वाला निभाना 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 पड़ेगा, कन्हैया कन्हैया तुम्हें आना पड़ेगा, कन्हैया कन्हैया तुम्हें आना पड़ेगा। अब तो आजा समरिया बात निहारू मैं, अब तो आजा समरिया रे तेरी बात निहारू मैं, अब तो आजा समरिया रे तेरी बात निहारू मैं, प्यारे मोहन चले आओ परदे से ऐ प्यारे मोहन, हमें तेरा पर्दा गवारा नहीं है, हमें तेरा पर्दा गवारा नहीं है, हमें तेरा पर्दा गवारा नहीं है, हमें तेरा पर्दा गवारा नहीं है। बता दो के पर्दे में कब तक छिपोगे, बता दो के पर्दे में कब तक छिपोगे, बता दो के पर्दे में कब तक छिपोगे, बता दो के पर्दे में कब तक छिपोगे। तुम्हें मुख से पर्दा हटाना पड़ेगा, तुम्हें मुख से पर्दा हटाना पड़ेगा, मुबारक हो तुमको ए मेरी मोहब्बत, मुबारक हो तुमको ए मेरी मोहब्बत,
तुम्हें सामने मेरे आना पड़ेगा, तुम्हें सामने मेरे आना पड़ेगा, तुम्हें सामने मेरे आना पड़ेगा, तुम्हें सामने मेरे आना पड़ेगा। अब तो आजा समरिया रे, तेरी बात निहारूं मैं, अब तो आजा समरिया रे, मेरी बात निहारूं आशारख पगली आएंगे, आशारख पगली आएंगे, आशारख पगली आएंगे, आशारख पगली आएंगे, हरि 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 आएंगे, आशारख पगली आएंगे, आशारख पगली आएंगे, आशारख पगली आएंगे, आशारख पगली आएंगे। और प्यारे, जैसे छोटे से प्रह्लाद ने अपने प्रभु को पुकारा, उसी क्षण लोहे का खंभा फाड़ के श्री नरसिंह भगवान के रूप में श्री हरि नारायण भगवान प्रकट हो गए। बोली नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह भगवान का विकराल रूप देखकर हिरण्यकश्यप एक बार तो घबरा गए, फिर सोचा मैं क्यों घबराऊं, मुझे तो ब्रह्मा जी के बहुत वरदान प्राप्त हैं। बोले तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। बोले क्यों? बोले मुझे ब्रह्मा जी के वरदान प्राप्त हैं। बोले इतना अभिमान ठीक नहीं, कौन कौन से वरदान प्राप्त हैं? तब हिरण्यकश्यप ने कहा, ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात में मरूं, ना मैं नर से मरूं, ना मैं किसी पशु से मरूं, ना किसी अस्त्र से मरूं, ना किसी शस्त्र से मरूं, ना मैं अंदर मरूं, ना मैं बाहर मरूं, ना मैं धरती पे मरूं, ना मैं आकाश में मरूं, और मैं इन 12 महीनों में भी, फिर मुझे कैसे मारोगे? तब नरसिंह भगवान ने कहा, इतना अभिमान ठीक नहीं, तूने क्या कहा, ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात में? भगवान ने उसी समय संध्या का समय कर दिया, बता तुझे अब कौन बचाएगा? फिर तूने कहा, ना मैं किसी नर से मरूं, ना किसी पशु से मरूं, तेरे लिए देख मैं स्पेशल रूप लेके आया हूँ, न पूरा नर के रूप में, न पूरा पशु के रूप में, मैं आधा नर और आधा सिंह बन के आया हूँ। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। फिर तूने कहा, न मैं अंदर मरूं, ना मैं बाहर मरूं, ना मैं किसी अस्त्र से मरूं, ना किसी शस्त्र से मरूं, देख ना मेरे हाथ में कोई अस्त्र है, ना कोई शस्त्र है। भगवान ने बड़े बड़े नाखून निकाल लिए, फिर उसे चौखट पे ले आए और पूछा, बता तू अब अंदर है या बाहर है? देखो जब भी आप मंदिर में जाते हो सबसे पहले क्या करते हो, चौखट पूजते हो ना। क्यों पूजी जाती है? क्योंकि भगवान का वहां पे भी वास हुआ है। जब घर में कोई नई नवेली दुल्हन आती है तो उसे दहलीज पुजवाई जाती है ना, इसका मतलब वहां पे भी ठाकुर का वास हुआ है। फिर हिरण्यकश्यप को अपने पट पे लिटा दिया, बोले बता तू अब धरती पे है या आकाश में है? फिर तूने कहा कि मैं 12 महीनों में भी नहीं मर सकता, तेरे लिए मैंने 13वां महीना भी बना दिया, जिसे कहते हैं मलमास का महीना। जब सारे वरदान समाप्त हो गए, नरसिंह भगवान ने बड़े बड़े नाखून हिरण्यकश्यप के सीने में डाले और प्यारे पूरा सीना फाड़ दिया और नरसिंह भगवान द्वारा हिरण्यकश्यप का वध हो गया। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। अब नरसिंह भगवान का विकराल रूप देखा, सभी देवी देवता घबरा गए कि अब नरसिंह भगवान का क्रोध कैसे शांत हो। जैसे ही देवी देवता नरसिंह भगवान के सामने गए, लाल लाल आंखें देखी, डर के मारे वापस आ गए। तब देवताओं ने देखा, लक्ष्मी जी अब आप जाओ, नरसिंह भगवान का क्रोध शांत करो। जैसे ही लक्ष्मी जी नरसिंह भगवान के सामने गई, नरसिंह भगवान की लाल लाल आंखें देखी, डर के मारे वो भी वापस आ गई।
क्योंकि जिस घर में क्रोध रहता है, जिस घर में क्लेश रहता है, उस घर में लक्ष्मी जाके वापस आ जाती है, अर्थात बरकत नहीं होती। जब देवी देवता सब हैरान हो गए कि नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा, तब देवी देवताओं ने देखा भक्त प्रहलाद चुपचाप एक कोने में बैठे हैं। बोले प्रहलाद, अब तुम जाओ और नरसिंह भगवान का क्रोध शांत करो। अब प्यारे जैसे ही छोटे से प्रहलाद भगत नरसिंह भगवान के सामने गए, चुपचाप जाके नरसिंह भगवान की गोद में बैठ गए और कहने लगे, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। अब तो नरसिंह भगवान जोर जोर से मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। अब देवी देवता हैरान कि हम जैसे देवी देवताओं से नरसिंह भगवान प्रसन्न नहीं हुए और छोटे से बालक से कैसे जोर जोर से मुस्कुरा रहे हैं। अब सभी देवी देवता छोटे से प्रहलाद से कहते हैं कि प्रहलाद, तुमने ऐसा कौन सा चमत्कार कर दिया जो हमसे तो मुस्कुराए नहीं और तुमसे जोर जोर से मुस्कुरा रहे हैं। बड़े ध्यान से सुनना, जो प्रहलाद की इतनी सी बात को अपने जीवन में उतार लेगा, कभी उसके घर में क्लेश नहीं होगा। प्रहलाद ने कहा, मैंने कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं किया। बोले कैसे? बोले जब नरसिंह भगवान क्रोध में थे और सब देवी देवता नरसिंह भगवान के सामने गए तो वो और ज़्यादा भड़क उठे। क्यों? क्योंकि तुम उनकी आँखों में आँखें मिला रहे थे। देखो, जब किसी में क्रोध आता है और तुम उसकी आँखों में आँखें मिलाते हो तो उसका क्रोध शांत होगा या बढ़ेगा? मुझे आंखें दिखाता है तो उसका क्रोध बढ़ेगा। बोले तुम उसकी आंखों में आंखें मिला रहे थे और मैं उनके चरणों को देख रहा था। कोई सामने बोलता रहे, तुम थोड़ा सर झुका लो, कितनी देर बोलेगा? थोड़ी देर में अपने आप शांत हो जाएगा। और जब तुम आंख मिलाओगे तो वो और अकड़ेगा और क्लेश बढ़ेगा। अरे बल्ब भी तब जलता है जब एक तार गर्म होता है, एक तार ठंडा होता है। जब दोनों तार गर्म हो जाएंगे तो क्या होगा? इसीलिए प्यारे, एक को नरम और एक को गर्म रहना पड़ता है। लेकिन एक पंडित जी और पंडितानी, देखो माता जी हंस रही है। अरे महाराज जी, पंडित जी के तो पीछे ही पड़ गए। कि पंडित जी और पंडितानी हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे और पड़ोसी तमाशा देखते थे। एक दिन पंडित जी ने पंडितानी से कहा कि पंडितानी, देख तू हमेशा झगड़ती रहती है और पड़ोसी तमाशा देखते हैं, एक काम करते हैं, आज के बाद हमारा झगड़ा होगा ना, ना तू मुझसे बात करियो ना मैं तुझसे बात करूँगा। पंडितानी ने कहा ठीक है, जब झगड़ा होगा देखी जाएगी। पंडित जी ये नहीं कह रहे कि तू भी शांत रहे मैं भी शांत रहूँ, झगड़ा तो करेंगे। उस झगड़े में ना तुम मुझसे बात करियो ना मैं तुझसे बात करूं। देखो झगड़े के कोई हाथ पैर तो होते नहीं। अगर गरम चाय दे दी तो क्या मुंह जलाएगी? ठंडी दे दी तो क्या मैं गाय भैंस हूं जो ठंडा दे दिया? अब प्यारे दोनों में झगड़ा चालू। अब झगड़े में ना पंडित जी पंडितानी से बोले ना पंडितानी, कैसे काम चले? अब पंडित जी मेरी तरह समझदार थे, बोले कोई बात नहीं, मैं बोल नहीं सकता तो क्या हुआ, लिख के तो दे सकता हूं। अब पंडित जी को हवन कराने जाना, पंडित जी ने लिख दिया, अरे पंडितानी मुझे हवन कराने जाना, जरा धोती तो प्रेस कर दे। पंडितानी ने पर्ची पढ़ी, बोले ओहो पंडित जी तो बहुत समझदार हो गए। बोले मैं भी कम थोड़ा हूं, प्रेस करी और लिख दिया ले पहन ले, वो भी नहीं बोली। अब पंडित जी को भूख लगे, अब पंडित जी ने पर्ची पे लिख दिया, अरे पंडितानी भूख लग रही है कुछ भोजन बना दे। बोले अच्छा,
पंडितानी ने भोजन बनाया और पर्ची पे लिख दिया, ले टिकड़े खा ले। अब ऐसे ही पर्ची से काम चलता रहा। अब सर्दी आई, पंडित जी और पंडितानी अंगीठी लेकर आंगन में बैठ गए। अंगीठी समझते हो ना, हाथ सेक रहे पर बोल नहीं रहे, क्योंकि पंडित जी भी पक्के मैं अपने बाप की औलाद नहीं जो पहले बोल लूं, पंडितानी भी पक्की मैं कौन सी अपने बाप की औलाद जो तेरे से पहले बोल लूं, दोनों चुप। इतनी देर में क्या हुआ, अंगीठी की अंगारी पंडित जी की धोती में लग गई और पंडित जी को पता नहीं चला, लेकिन पंडितानी ने देख लिया। अब पंडितानी ने सोचा, है तो मारे पंडित जी, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता तो एक ही दिन बनता है जिस दिन करवा चौथ होता है। हार ला रहे हो या व्रत तोड़ूं, साड़ी ला रहे हो या व्रत तोड़ूं, एक ही दिन के लिए बनता है लेकिन बचाना जरूरी है, ध्यान देना। अब पंडितानी ने सोचा कि मैं कैसे बचाऊं पंडित जी को, बोल सकती नहीं क्योंकि मैं अभी अपने बाप की औलाद नहीं जो बोल दूं, लिख सकती नहीं क्योंकि कागज कलम बहुत दूर रखे हैं, जब तक लाऊंगी जब तक तो पंडित जी स्वाह हो लेंगे, अब कैसे बचाऊं। तो पंडितानी ने सोचा, ना मैं बोल सकती ना मैं लिख सकती, हाँ मैं गा तो सकती हूँ। अब पंडितानी ने क्या गाना गाया, किसी की धोती जल जाए हमें क्या लेना देना, किसी की धोती जल जाए हमें क्या लेना देना, किसी की धोती जल जाए हमें क्या लेना देना, किसी की धोती जल जाए हमें क्या लेना देना, 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 ओहो किसी की धोती जल जाए हमें क्या लेना देना, किसी की धोती जल जाए हमें क्या लेना देना। अब पंडित जी सोच रहे हैं, ये कभी गाती तो थी नहीं, मंदिर में दूसरी मंडली आती थी ये चुपचाप बैठती थी, आज ये गा रही है इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। तभी देखा धोती में से धुआं निकल रहा है। अब जैसे पंडित जी ने धोती में अंगारी हटाई और हाथ जोड़ दिए, पंडितानी तू जीत गई मैं हार गया। देखो घर में चाहे कितने भी बर्तन बजे, मैं तो नहीं कहूँगा लठ बजे, कितना भी झगड़ा हो लेकिन उस झगड़े में बोलना बंद मत करना। कई बार कहते ना पहले मैं क्यों बोलूं, इसी में ही दिन हफ्ते महीने सालों लग जाते हैं, समझौता नहीं होता, बात कोर्ट तक पहुंच जाती है, तलाक तक पहुंच जाती है। इसलिए प्यारे ना बोलने से समझौते के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, इसलिए अपने मन को बच्चा बना लो। अभी हमारी बहन जी की बात बहुत अच्छी लगती है, बोले महाराज मुझे तो बच्चों में बहुत आनंद आता है, कभी छुपन छुपाई खेलती हूँ। इसलिए जितना मन को बच्चा बनाओगे उतना प्रसन्न रहोगे। आपने बच्चों को देखा है शरारत करते, माँ जोर से थप्पड़ मारती है, थोड़ी देर तो बच्चा रोता है फिर आके गले लग जाता है, लेकिन जब वही बड़े बन जाते हैं, किसी ने इतना सा कह दिया, जब तक चार गुना बदला ना ले लो तब तक मन में शांति नहीं मिलती, इसीलिए दुखी है। इसीलिए प्यारे भगवान को अगर अपनाना चाहते हो तो बिल्कुल सरल रहो, क्योंकि ज़्यादा चतुर आदमियों को ज़्यादा चलाक आदमियों को भगवान नहीं मिलते, जितना सीधे बन के चलोगे भगवान सदा तुम्हारे साथ रहेंगे। राजा बलि, देखो बीच में जगह छोड़ दो, हाँ जी 250 ग्राम जगह छोड़ दो, कि राजा बलि थे तो राक्षसों के राजा, जिन्होंने सभी देवताओं से युद्ध करके उनका धन अपने अधिकार में कर लिया। तभी देवताओं की माता अदिति, देखो कल हमारे ठाकुर जी का विशाल जन्म उत्सव मनाया जाएगा, जैसा कि पहले बताया, सभी ने पीले वस्त्रों में आना है, जैसे अपने बच्चों के लिए चाहते हो वैसे
चाहे वस्त्रों के रूप में,